Ladies and gentlemen, welcome to the part 3. Okay, this is the most long awaited tutorial जिसके मुझे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई है और मैंने इसको सबसे ज्यादा लेट में बनाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ट्यूटोरियल आ रहा है। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि आप लोग किस तरह से अपनी एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स ऐड करने, सच एज बुक मार्क करें अपने नोट्स को, बुक मार्क को विजिट करें, उसके अलावा अपने नोट्स ऐड करें, नाइट मोड एंड और भी बहुत कुछ। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एड मोड लगाना भी सिखाऊंगा जिसके आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डालकर इससे अर्निंग कर सके। आज की वीडियो बहुत मजे की होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये पीडीएफ सीरीज का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप लोग उनको जरूर वॉच करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तभी इस वीडियो के ऊपर आए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो यार बगैर टाइम को वेस्ट किया चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से, अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर लो। उसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज एज ऑलवेज मैं यहाँ पे क्वालिटी एंड्रॉइड कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ। उसके अलावा कुछ भी नहीं, चलो वीडियो को अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गिटहब अपना ओपन कर लिया, तो ये रहा अपना बुकीफाई वाला ओल्ड प्रोजेक्ट। अगर आपको इस लिंक पे जाना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर पिछली जो इसका पार्ट था ना उसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिंक था, ठीक है। इसके ऊपर आपने आना है, इसको आपने फोर्क कर लेना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है, कोड पे जाके इस लिंक को कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आना है, यहाँ पे गेट फ्रॉम VCS के ऊपर क्लिक करना है, गिटहब पे सॉरी पोस्टर URL पे इंटर करना है, देन यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का पाथ दे देना है। सो लेट मी जस्ट गो टू द यूट्यूब फोल्डर। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्लोन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लोन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये ना आपके गिटहब से ये पूरा प्रोजेक्ट क्लोन कर लेगा। उसके यहाँ पे ट्रस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये मेरी दूसरी स्क्रीन पे आ चुकी है एज यू कैन सी हियर, और इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। तो अभी इसकी क्रेडो बिल्ड वगैरह होनी है तो उसको फिनिश होने देते हैं। ऑलराइट, तो हमारी एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि लास्ट टाइम तक हमने क्या क्या चीज़ें कर ली थी। तो एक काम करते हैं, मैं ना इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो मैं ना एक काम करता हूँ यार, सबसे पहले तो अपने एमुलेटर को ना यहाँ पे टूल विंडो के अंदर लेके जाता हूँ। तो उसके लिए करता हूँ लॉन्च एमुलेटर इन द रनिंग डिवाइस टूल विंडो, एंड उसके बाद ना यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ कोड का। ये तो प्री रिक्विजिट है जो मैं कर रहा हूँ, अपीयरेंस में होगा एंड इसका फॉन्ट पे चलते हैं, एंड इसके बाद इसका साइज कर देते हैं 19 वुड बी बेटर यार, 18 है यहाँ पे, सॉरी इसको 18 करना था साइज। अब ठीक है, ओके सो ओके, तो अब हमारा ठीक कोड नज़र आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ज़रा एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई अपना ले लेता हूँ एमुलेटर, ये रूटेड एमुलेटर है मेरे पास, तो इसको रन करते हैं इस पर। ऑलराइट एवरीवन, तो अपनी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे बुक्स का सेक्शन था, यहाँ पे किसी बुक के ऊपर क्लिक करते थे तो एनिमेशन के साथ यहाँ पे लोड होती, यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी डिटेल वाली, और यहाँ पे हम रीड बुक के ऊपर क्लिक करते थे बुक डाउनलोड होती थी और अपनी हमारी ओपन हो जाती थी PDF एक्टिविटी में। उसके अलावा यहाँ पे हमने ओल्ड बुक सीन करने के लिए भी एक कैटेगरी एक्टिविटी बनाई हुई थी, एंड यह इतनी हमारी बेसिक थी अल्हम्दुलिल्लाह एप्लीकेशन थी। तभी काम करते हैं एक बुक को ना जरा डाउनलोड करके देखते हैं। तो मैं रीड बुक के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। ऑलराइट, तो अपनी यहाँ पे ओपन हो चुकी है बुक, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जितने भी बुक पेजेस थे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो के एंड पे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम सबसे पहले ना इस जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर देखिए एड मोड इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अलावा हम बुक मार्क इम्प्लीमेंट करेंगे, नोट्स इम्प्लीमेंट करेंगे, नाइट मोड वगैरह। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम ऐसा करते हैं कि हम ना बुक मार्क से शुरू करते हैं, हम सबसे पहले बुक मार्क्स अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भी ना हमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम मेनली अभी PDF एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हर बार मैं एप्लीकेशन लोड करूं, यहाँ पे बुक के ऊपर क्लिक करूं और रीड बुक के ऊपर क्लिक करूं, फिर जाकर मेरी PDF एक्टिविटी ओपन हो। तो उसके लिए मैं कुछ काम करूंगा कि मेरे पास यहाँ पे ये सैंपल बुक पड़ी है ना ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा कि इन सबको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज करूंगा, मैनिफेस्ट में जाऊंगा, मैनिफेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे ना PDF एक्टिविटी को अपनी मेन एक्टिविटी बना लूंगा, यानी कि सबसे पहले बारी PDF एक्टिविटी ओपन हो, ठीक है। फिर PDF एक्टिविटी में चलता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे ये गेट स्ट्रिंग कर रहा है ना, इसको कमेंट कर देता हूँ, एक्चुअली इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। वेल बुक PDF इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका जो एसेट्स में नेम है वो यहाँ पे दे देते हैं सैम्पल बुक डॉट PDF, और इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको डबल स्ट्रिंग में करना है एंड यहाँ डबल कोट्स में सॉरी, और यहाँ पे फ्राम URI की जगह हम कर देंगे यहाँ पे फ्राम एसेट्स, और यहाँ पे एसेट का नेम दे देंगे बुक PDF। तो अब जब भी मैं एप्लीकेशन रन करूँगा तो मेरी PDF एक्टिविटी डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, रैदर देन वो पहली मेरी एक्टिविटी ओपन और एंड सो ऑन। तो मैं एक बार एप्लीकेशन को रन करता हूँ।
तो यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हुई है, तो देखा आप लोगों ने पीडीएफ एक्टिविटी हमारी ओपन हो चुकी है और हमारी जो सैम्पल पीडीएफ है वो आ रही है। ठीक है, तो अभी सारा निज़ाम डन हो गया, तो अभी हमारे जो मेन काम है वो हमने करना है। राइट, तो अभी हमने करना है ये कि यहाँ पे हम नीचे एक बटन लगाएंगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो उसके पर जब भी क्लिक होगा नीचे से एक शीट ओपन होगी, उसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स होंगे, लाइक इस पेज को बुक मार्क करना या फिर नोट्स से यहाँ पे ओपन करना, जो ऑलरेडी बुक मार्क पेजेस हैं उनको लिस्ट को ओपन करना। उसके अलावा नाइट मोड का यहाँ पे ऑप्शन होगा कि इस पीडीएफ को नाइट मोड में कन्वर्ट कर सको एंड सो ऑन, तो वो भी करना बड़ा ही आसान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपनी सबसे पहले पीडीएफ एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे ना थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। एक तो ना यहाँ पे जो मटेरियल कार्ड भी हमने मैंने लिया हुआ है ना, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा इसको करते हैं मैच पेरेंट। और अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमने नीचे लेनी है मटेरियल बॉटम शीट। तो हमारे पास ना दो किस्म की बॉटम शीट्स होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड बॉटम शीट और दूसरी होती है मोडल बॉटम शीट। ठीक है, और स्टैंडर्ड बॉटम शीट और मोडल बॉटम शीट में फ़र्क इतना होता है बस कि ना जो हमारी स्टैंडर्ड बॉटम शीट होती है, सॉरी मेरा जो मॉडल बॉटम शीट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, उसका जो बैकग्राउंड होता है ना वो डार्क आ रहा होता है, और जो हमारी स्टैंडर्ड बॉटम शीट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, उसका बैकग्राउंड डार्क नहीं होता, वो जब भी ओपन हो तो हम उसके होते हुए ऊपर वाले एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम ना अपनी मॉडल बॉटम शीट को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, तो ये बड़ा आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना एक पैकेज बना लेते हैं, यहाँ पे आएंगे और एक पैकेज बना लेंगे। तो मैंने पैकेज के लिए शॉर्टकट बनाया हुआ है, तो इस पैकेज का नेम होगा फ्रेगमेंट्स। तो पैकेज इसके अंदर हम एक न्यू फ्रैगमेंट लेंगे विच इज़ गोइंग टू बी एम्प्टी एम्प्टी फ्रैगमेंट, और इसका नाम होगा पीडीएफ टूल्स फ्रैगमेंट। उसके बाद ना यहाँ पे ये हमारा फ्रैगमेंट बन चुका है, तो एक काम करना है आप लोगों ने, ये सारा कोड यहाँ से रिमूव करना है, ये भी रिमूव करना है, और ये आर्गुमेंट्स भी रिमूव करने हैं, ये भी रिमूव करना है, और यहाँ पर बाइंडिंग इनेबल कर लेनी है। तो बाइंडिंग कुछ इस तरीके से हमें इनेबल करेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग वेरिएबल लेंगे प्राइवेट वैल बाइंडिंग बाय लेजी फ्रैगमेंट पी डी एफ टूल बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट। उसके बाद हमने ना अपनी ओन क्रिएट व्यू में से ना यहाँ पे अपना रिटर्न करा देना है व्यू। तो हम अपना जो मेन व्यू है, जो हमारा टॉप व्यू होता है हमारी एग्जाम्पल के अंदर, हमने उस वो रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो अभी हमने ये करना है कि यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लेआउट लेना है, या फिर हम यहाँ पे सिंपल एक रिसाइकलर व्यू ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट लेआउट लेते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट लेते हैं, और यहाँ पे ना ऊपर एक ड्रैग हैंडल ले लेंगे हम। ड्रैग हैंडल मैच पेरेंट रैप कॉन्टेंट मैच पेरेंट एंड देन रैप कॉन्टेंट, यहाँ पे स्पेस ख़त्म करते हैं एंड ये देखो हमारा ड्रैग हैंडल यहाँ पे लग चुका है। इसको हॉरिजॉन्टली कॉन्स्टेंट करते हैं, टॉप से कॉन्स्टेंट करते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये वाला ड्रैग हैंडल है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसके नीचे हम ले लेंगे अपना रिसाइकलर व्यू जिसके अंदर हमारे सारे टूल्स आएंगे। ठीक है, इसको हमने मैच पेरेंट रैप कॉन्टेंट करना है, और इसके बाद इसके नीचे आप लोगों ने इसे कॉन्स्टेंट कर देना समथिंग लाइक दिस, और इसको नीचे से कॉन्स्टेंट कर देना है, नीचे से सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं करना क्योंकि हमने ना मॉडल बॉटम शीट में अगर नीचे से हम कॉन्स्टेंट करेंगे तो नीचे वाले थोड़ा सा कॉन्टेंट यहाँ से कट जाएगा। तो और इसके बाद इसको आई डी दे देनी है एम टूल्स आर वी, और यहाँ पे इसका लेआउट मैनेजर सेट कर देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी ग्रेट लेआउट मैनेजर, और इसका स्पैन काउंट होगा 3, और जो यहाँ पे लिस्ट आइटम जो सैम्पल लेआउट होगा वो हम बना लेते हैं जिसको कि हम रखते हैं लेआउट अंडर स्कोर एक्चुअली आइटम अंडर स्कोर टूल। ऑलराइट, और इसको हम बना लेते हैं, ये मेरा बन चुका। तो यहाँ पे कुछ आइकन हैं जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड किए हुए हैं, तो उनको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। आइकन कहाँ से डाउनलोड करते हैं यार, मटेरियल आइकन के आप लोग यहाँ पे गूगल पे जाम सर्च करना मटेरियल आइकन्स। ठीक है, मटेरियल आइकन पे चले जाना, और यहाँ पे जो मर्जी आइकन आप लोगों ने डाउनलोड करना हो कर लेना। इसके बारे में मजीद जानना चाहते हो तो मेरी मटेरियल डिज़ाइन वाली सीरीज़ को फॉलो करो, वहाँ पे मैंने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आइकन्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, एक तो ये आईसी ट्यून है, इसको यहाँ पे कर ले आते हैं, और जो बाकी हैं उसको हम साथ साथ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल के लिए एक आइकन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने लेआउट अपने कुछ इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे एक कार्ड व्यू है, कार्ड व्यू के अंदर ना एक इमेज है और इमेज के नीचे टैक्स है। ठीक है, इमेज हमारे टूल की होगी और टैक्स होगा, तो यहाँ कुछ इस तरीके से करेंगे मटेरियल कार्ड व्यू मैच पेरेंट 120 डीपी इसकी हाइट कर देते हैं, इट्स टू मच, लेस 80 डीपी एंड इसको भी कर देते, इसको कर देते हैं 120 डीपी वेस्ट को। ठीक है, कॉर्नर रेडियस इसका कर देते हैं लाइक 4 डीपी एंड 4 डीपी काम है यार, 8 करना चाहिए। एंड उसके बाद ना कार्ड एलिवेशन दे देते हैं 2 डीपी की, और यहाँ पे कार्ड का जो हमारा स्ट्रोक है इसको हम हटा देते हैं, स्ट्रोक 0 डीपी कर देते हैं, और इसके अंदर एक इमेज व्यू ले लेंगे मैच पेरेंट कर देंगे, उसका यहाँ पे इसका SRC लगा देंगे IC ट्यून। ठीक हो गया, और ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, इसको पैडिंग दे देंगे समथिंग लाइक 8 डीपी, कम है यार 8 डीपी, 12 24 ज़्यादा होगी 18। ठीक है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कहीं ऐसे नंबर नहीं देता,
ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए है। रियल लाइफ प्रोजेक्ट में मैं अलग एट्रीब्यूट्स बनाता हूँ डायमेंशन फाइल में, ठीक है, और इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कॉन्स्टेंट कर देंगे। सॉरी, वर्टिकल नीचे से कॉन्स्टेंट नहीं करेंगे, टॉप से करेंगे सिर्फ। तो इसको टॉप हटाते हैं यहाँ से एंड इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 8 GB का। और नीचे यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, रैप कंटेंट इसकी ग्रेविटी होगी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर होने के बाद यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता हूँ यार, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट कर देता हूँ टूल टूल टाइटल, ठीक हो गया भाई। मैं ना, सर्दी बहुत है हमारे यहाँ पे तुम लोग बताना तुम्हारे कैसी सर्दी है वहाँ पे। तो इसको ना टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं 4 DP का। एंड इसका टेक्स्ट जो साइज होगा ना वो दे देते हैं टेक्स्ट अपीयरेंस। सो टेक्स्ट साइज नहीं, टेक्स्ट अपीयरेंस, टेक्स्ट अपीयरेंस अपीयरेंस, टेक्स्ट बॉडी लार्ज, दिस इज फाइन आई गेस, ठीक है। मार्जिन टॉप इसका थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो हमारे यहाँ पर सैम्पल लेआउट बन चुके हैं। इसको नीचे तो रैप कंटेंट कर देंगे, ठीक है। एंड अब चलते हैं ज़रा इसके अंदर और यहाँ पे हमारा देखते हैं कैसा आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, विच इज़ नॉट बैड यार। एनीवे, तो अभी हमने ये करना है कि अपनी यहाँ पे PDF एक्टिविटी के अंदर नीचे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लेना है। तो यहाँ पे लेते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। आपको अगर नहीं पता फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या होते हैं तो मेरी वीडियो देख लेना फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। और यहाँ पे इधर SRC दे दूँगा ट्यून का और इसको ID दे दूँगा M2FAB, ठीक है। और इसको हॉरिजॉन्टली कॉन्स्टेंट कर दूँगा और नीचे से कॉन्स्टेंट कर दूँगा और इसको मार्जिन दे दूँगा 16 DP का, समथिंग लाइक दिस। और इसके बाद ना एक काम करते हैं, इन दोनों इनको भी ID दे देते हैं, बाद में इनको कौन ID देने आएगा। MImageID MTitle, ऑलराइट, ठीक है। अभी इनकी मॉडल क्लास बनानी है तो सबको एक क्लोज करते हैं, यहाँ पे मॉडल्स में आते हैं, यहाँ पे मॉडल बनाते हैं। सर जावा नहीं होगी हमारी, तो मॉडल का होगी टूल्स मॉडल और ये होगा हमारी डेटा क्लास। और इसमें कुछ इस तरीके से होगा, एक हमारा टाइटल होगा विच इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिंग और एक होगी इमेज विच इज़ गोइंग टू बी इंटीजर। इमेज रिसोर्स आदि इसको ना मार कर देते हैं ड्रॉएबल रिसोर्स के ऊपर। एंड एक हमारी होगी टाइप, अब ये टाइप क्या होगी, और ये इसकी टाइप होगी टूल्स टाइप। आप सोचो कि ये क्या है, तो ये इनम क्लास होगी जो कि हम बनाएंगे अभी। तो यहाँ पे एक पैकेज बना लेता हूँ न्यू विच इज़ गोइंग टू बी इनम्स और इधर एक न्यू इनम बना लेता हूँ टूल्स टाइप नाम की। अच्छा, इनम क्या होती है यार, बेसिक कॉन्सेप्ट है कोडलिन के, सीख लेना, नहीं तो मैं एक बेसिक बता दें। इसके अंदर हम यह कुछ कॉन्स्टेंट समझ लो डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे टूल्स होंगे हम उनकी टाइप यहाँ पे कॉन्स्टेंट डिफाइन करेंगे। तो टूल्स हमारे पास हैं बुकमार्क, बुकमार्क्स, और एक होगा ऐड टू बुकमार्क्स, और एक होगा नाइट मूड, और एक होगा हमारे पास नोट्स, ठीक है, नोट्स ओपन होंगे, और एक हमारे पास और कुछ भी नहीं होगा, इतनी हो गई, ठीक है। इतनी बात होती है यार, ये क्या है कि तुम मुझसे सारे टूल ऐड करवा दोगे, नहीं ऐसे नहीं होने वाला। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फिर आएंगे इतने टूल। अच्छा जो कि, तो यहाँ पे टूल्स टाइप को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे हमारी मॉडल यहाँ पे बन चुकी है। अब अपने चलते हैं अडाप्टर्स के अंदर। तो अडाप्टर हमने एक नया बनाना है जिसको कि हम रखेंगे, अच्छा मैं तुम्हें एक मदद की चीज़ बताता हूँ, जिसका नाम हम रखेंगे टूल्स अडाप्टर। यहाँ पे कोडिंग क्लास में चलता हूँ और यहाँ पे टूल्स अडाप्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नीचे देखा एक इश्यू आ रहा है भाई कि आप लोगों ने एक शॉर्टकट मिस किया, तो मैंने यहाँ पे की प्रमोटर एक्स नाम का प्लगइन किया हुआ है, डाउनलोड कर लेना, शॉर्टकट मास्टर करने में बहुत हेल्प देता है। तो मैंने इसका शॉर्टकट बनाया तो वही मैं यूज़ करूँगा। तो टूल्स अडाप्टर इसका नाम रख देते हैं एंड, ठीक है, अडाप्टर बनाना है अज्यूमिंग आपको आता होगा। तो मैंने इसके लिए अपना एक लाइव टेम्पलेट रखा हुआ है, तो RV अडाप्टर नाम का, ठीक है, वो था कुछ इस तरीके की RV अडाप्टर। और यहाँ पे इसकी टाइप होगी लिस्ट की टूल्स मॉडल, टूल्स मॉडल, और यहाँ पे ले लेंगे आइटम टूल्स बाइंडिंग। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा अडाप्टर बन चुका है, इतना आसान था ये बनाना। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने भी डेटा सेट करा देना है। तो डेटा किस तरीके से सेट कराएंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे एम टाइटल डॉट टेक्स इज इक्वल टू मॉडल डॉट टाइटल, और यहाँ पे एम इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्सेज मॉडल डॉट इमेज। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे चलते हैं अपने फ्रैगमेंट के अंदर। फ्रैगमेंट के अंदर जाने के बाद इन सबको करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद ना यहाँ पे हम सबसे पहले तो रिसाइकलर व्यू को इनिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ RV इनिट के नाम से, और यहाँ पे तो एक्सेस स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर ना सबसे पहले तो मैं ऊपर एक अडाप्टर बना लूँगा ना, तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा प्राइवेट वैल अडाप्टर बाय लेजी,
अच्छा भाई लेजी क्या होता है? भाई लेजी क्या होता है, या कुछ वैल्यूज होती है ना जो कि हमारी थोड़ी देर बाद इनिशियलाइज करता है लेजी, ऐसा करता है। लाइक अगर मैं इसको विदाउट लेजी इनिशियलाइज कर दूँगा, यहाँ पर मुझे एम्प्टी नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे सकता है अपने कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेजी चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना टूल्स अडाप्टर ले लूँगा, चूज़ अडाप्टर, और यहाँ पर लिस्ट पास करनी है तो यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं। प्राइवेट वैल लिस्ट इज इक्वल टू म्यूटेबल लिस्ट, और इसकी टाइप होगी टूस। एक मिनट, इसकी टाइप यहाँ पे डिफाइन करनी है, यहाँ पे नहीं, आई एम सॉरी भूल जाता हूँ। म्यूटेबल लिस्ट टूस टाइप, एंड इसको एम्प्टी म्यूटेबल लिस्ट कर देते हैं। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे लिस्ट पास कर देंगे, लिस्ट पास हो गई, एंड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में पास हो जाएगी, कॉन्टेक्स्ट में पास हो जाएगी रिक्वायर एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट पे कुछ एरर दे रहा है, तो टूल्स मॉडल यहाँ पे करनी है, सॉरी टूल्स मॉडल, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको अपने रिसाइकलर वी के ऊपर सेट करा देते हैं, पाइनिंग डॉट एम टू दर वी डॉट अडाप्टर इज इक्वल टू अडाप्टर, और यहाँ पे हम अपने टूल्स ऐड करेंगे, लेस ऐड टूल। इतने गंदे कमेंट को लिखता नहीं है, मैं हूँ तो मैं लिख दूंगा, मेरी मर्जी। लेस ऐड टूल्स, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, लेस डॉट अप्लाई, और यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, टूल्स मॉडल ऐड करेंगे, टाइटल इसका क्या होगा, तो हम करेंगे ऐड टू बुक मार्क, ऐड, एक मिनट ऐसा करते हैं, इसका क्या नाम रखें, इसका नाम रख देते हैं बुक मार्क, रख देते हैं बुक मार्क दिस। ठीक है, मैं नाम पे नहीं जा रहा, या मुझे जज मत करना, मैं बस इसको डन कर रहा हूँ। नेमिंग कन्वेंशन वगैरह को नहीं अभी इस वाले ड्रॉ न फॉलो कर रहा। ड्रॉएबल, ड्रॉएबल अभी काम से लेने हैं, ड्रॉएबल लेने काफ़ी आसान है, तो चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से अपने आइकन यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे बुक मार्क आइकन आ गया है, एंड्रॉयड में चलते हैं, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और मुझे बुक मार्क का चाहिए, तो इसको तो कलेक्शन पे चलते हैं, कलेक्शन बुक मार्क, ठीक है, एंड इसको डाउनलोड कर देते हैं ये, और उसके अलावा नाइट मोड के लिए कर देते हैं। नाइट, बेड टाइम, सोने का वक्त हो गया, सोते क्यों नहीं हो तुम गंदे बच्चे। और उसके बाद मुझे एक चाहिए नोट्स के लिए, ठीक है, नोट्स के लिए ये कर देते हैं, अच्छा है, एंड यहाँ पे चलते हैं, और इनको ज़रा मैं नेम इनका सेट कर लेता हूँ, IC_bookmark, ठीक है, एंड IC_all_bookmarks, एंड दूसरों का भी नेम इस तरीके से मैं चेंज कर लेता हूँ। इन सबको करता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ड्रॉअर में आके इनको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, स्किप मारते हैं, ऐड टू गेटअप करते हैं, तुम लोगों को भी कोड देना तो गेटअप में ऐड करना बनता है, और यहाँ पे आप ड्रॉएबल यहाँ पे दे देते हैं बुक मार्क का, ठीक है, और यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर टाइप, या आई नो द फैक्ट दैट आई डिडंट पास द वैल्यू फॉर द टाइप, बाप को मचेगा, टूल टाइप डॉट बुक मार्क्स। ठीक है, एक्चुअली इसका बुक मार्क नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए या ऐड टू बुक मार्क होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे बुक मार्क्स को ऐड कर लेते हैं, और इसका होना चाहिए बुक मार्क्स, बुक मार्क उठा के बुक मार, इसको खोपड़ी तोड़ इसका। और यहाँ पे एक और है कि अपना नाइट मूड, नाइट मूड, ठीक है, और यहाँ पे अपना नाइट मूड ले लेते हैं, और यहाँ पे अपना आएगा नोट्स, तो यहाँ पे अपने नोट्स आ गए, तो यहाँ पे नोट्स का ले लेते हैं। तो ये हमारा रिसाइकलर वी के अंदर डेटा ऐड हो गया, ठीक है, डेटा तो ऐड हो गया, अभी इस ना इस शीट को ओपन किस तरह से कराना है, तो सबसे पहले तो इसको फ्रैगमेंट से एक्सटेंड नहीं कराना, हमने कराना है बॉटम शीट डायलॉग फ्रैगमेंट से एक्सटेंड से कराना है, उसके बाद इसको करना है क्लोज। चलते हैं अपनी PDF एक्टिविटी में, और यहाँ पे ना कर एक फंक्शन बना लेते हैं गंदा सा, उसका नाम रखते हैं हम सेटअप बेसिक व्यूज, इसको बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता हूँ, एंड इसका नाम रखते हैं, इसके अंदर कुछ इस तरीके से करेंगे कि बाइंडिंग डॉट PDF व्यू, सो नॉट PDF व्यू, आई मीन टूल फैब्स डॉट सेटोन क्लिक लिसनर, जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो कुछ इस तरीके से हो कि जो हमारी बॉटम शीट है वो ओपन हो जाए, तो सबसे पहले बॉटम शीट यहाँ पे ले लेते हैं, टूल्स बॉटम शीट, शीट इज इक्वल टू PDF टूल्स फ्रैगमेंट, ठीक है, टूल्स बॉटम शीट डॉट शो, और यहाँ पे स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर देना पड़ता है, और यहाँ पे ठीक है टूल्स फ्रैगमेंट डॉट टैग, ऑलराइट, टर्मिनल भी पास कर सकते हो। चलो अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, कितने एरर्स आते हैं हमारे पास। अभी भी ये नीचे कह रहा है कि तुमने 43 टाइम ये शॉर्टकट मिस किया है, कंट्रोल प्लस R वाला रन करने के लिए।
ऑलराइट, तो हमारे पास एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पे टूल्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे नीचे बॉटम शीट बड़े मज़े की ओपन हो रही है। आई नो डिज़ाइन थोड़ा सा भद्दा है, मुझे खुद गंदा लग रहा है, बट यार देखो मैं इस प्रोजेक्ट को ना बस जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा इतने सारे प्रोजेक्ट को एंड तक लेके जाने पे। आई नो कोई ऐसे यूट्यूबर बातें नहीं करता, लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट मैं फेक नहीं कर सकता। ठीक है, अभी बहुत मज़े के प्रोजेक्ट आएंगे, तो उनके लिए मैं ना इसको बस जल्दी से डन कर रहा हूँ। एनीवे, तो यहाँ पे अपनी बन चुकी है, तो एक काम करते हैं यार, इसको ना थोड़ा सा नीचे पैडिंग दे देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल चिपकू चिपकू सा लग रहा है, इतना चिपकना नहीं चाहिए बंदे को। ठीक है, और यहाँ पे ना इसको नीचे से पैडिंग दे देते हैं, साइकिल वी को पैडिंग बॉटम एंड समथिंग लाइक 20 dB दे देते हैं, 24 dB। ठीक है, एंड इसको क्लिप टू पैडिंग फोर्स कर देते हैं कि पैडिंग के साथ क्लिप वो ना हो, और इसको रन करते हैं। और राइट, तो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, टूल ओपन करते हैं, और यहाँ पे हमारा टूल ओपन हो चुका है। तो अभी एक काम करते हैं, सबसे जो हमारा आसान वाला है विच इज़ आवर नाइट मोड, नाइट मोड को सेट करते हैं। सबसे पहले के मैं ना टाइटल यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। तो टाइटल हमने कुछ इस तरीके से लिखने हैं, बुक मार्क था ठीक, बुक मार्क दिस, एक्सक्यूज कर रहे हैं, बुक मार्क दिस, बुक मार्क मी, ठीक है, माई बुक मार्क्स एंड नाइट मोड, एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से करते हैं यहाँ पे माई नोट्स, नाइट मोड के नीचे ले आते हैं। राइट, तो अभी हमने ये करना है कि जो हमारा नाइट मोड है ना, इसके ऊपर क्लिक करो तो हमारा नाइट मोड ओपन हो जाए। सबसे ईजी है, तो इसी को पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, व्यू मॉडल में आएंगे, यहाँ पे एक व्यू मॉडल बनाएंगे जिसका नाम होगा टूल्स व्यू मॉडल। ठीक है, और हम कुछ इस तरीके से करेंगे MVVM VM, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है, रिपोजिटरी हमें नहीं चाहिए, और डेट्स इट। और यहाँ पे ना हमें ऐसा करते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं, इसकी ना कंस्ट्रक्टर के अंदर ना अपनी टूल्स वाली एक्टिविटी ले लेते हैं। ठीक है, या फिर ना लें, अगर हम ले लेंगे तो हमें ना वहाँ ऑब्जर्वर वगैरह तो नहीं लगाना पड़ेंगे, लेकिन उससे ना लाइफ साइकिल सही मैनेज नहीं होगा एप्लीकेशन का, लेकिन हु केयर्स, मैं हु केयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी PDF एक्टिविटी ले लेते हैं, और ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसकी एक व्यू मॉडल फैक्ट्री बना लेते हैं। इसी को मैं कॉपी बनाता हूँ, इसी कॉपी नहीं बनाता, यहाँ पे एक न्यू बनाता हूँ, टूल्स व्यू मॉडल फैक्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कहते हैं MVVM VM F, ये मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, प्राइवेट वैल एक्टिविटी इज इक्वल टू होगी हमारी PDF एक्टिविटी, और यहाँ पे रिटर्न कराएंगे हम टूल्स व्यू मॉडल। अच्छा, जो मेरी इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं वो बोलेंगे यार तुम ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी की जा रहे, क्यों नहीं मुझे हमें समझा रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती किस तरह के यूट्यूबर हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, बस लाइक नहीं कर लाइक कर दो। तो उनके लिए मैं बता दूं यार, पिछले दो पार्ट में मैंने सारे बेसिक्स क्लियर किए हैं, तो इसलिए मैं थोड़े से इस पर फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर एक बनाते हैं एक फंक्शन, फन टॉगल नाइट मोड, और इस तरीके से करेंगे कि PDF एक्टिविटी, और इसको ना ज़रा जो हमारी है PDF एक्टिविटी में बाइंडिंग ना, ओके ठीक है, ये प्राइवेट नहीं है, अच्छी बात है, मैंने कहा शायद प्राइवेट हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं कि PDF एक्टिविटी PD, अच्छा इसको प्राइवेट बनाना पड़ेगा, सॉरी वेल PDF एक्टिविटी डॉट, अब यहाँ पे जो लीक हो सकती है तो होने तो मुझे क्या है, ठीक है, स्टैटिक फील्ड लीक वाली इशू, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो PDF टूल एक्टिविटी डॉट PDF डॉट सेट नाइट मोड, और यहाँ पे कर देते हैं नाइट मोड, नाइट मोड, और इसको यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, प्राइवेट वेल नाइट मोड इज इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे नाइट मोड इज इक्वल टू नॉट नाइट मोड, और यहाँ पे इसको वेर नहीं करते, वेर बना देते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ भी होगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो सबसे पहले ये नाइट मोड वाला, इसका अगर फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे इसका नाइट मोड दोबारा टॉगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के लिए बड़ा आसान है, तो यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे ना व्यू मॉडल बना लेते हैं, व्यू मॉडल का जो हमारा वेरिएबल है, तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा MVVM VM C। ठीक है, इतने मैंने शॉर्ट कर रखे हुए, तो व्यू मॉडल फैक्ट्री यहाँ पे ले लेते हैं, व्यू टूल व्यू मॉडल फैक्ट्री एंड टूल व्यू मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे फैक्ट्री दो बार लिखा गया, और यहाँ पे एक्टिविटी देनी है, एंड डेट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे कि सॉरी इसको वैसे यहाँ पे नहीं बनाना था, आई एम सॉरी, इसको ना अपनी PDF टूल फ्रैगमेंट में बनाना था, तो इस तरीके से बनाएंगे, और यहाँ पे जो एक्टिविटी है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देंगे, वेल एम एक्टिविटी इक्वल टू रिक्वायर एक्टिविटी एज PDF एक्टिविटी, इसको हम टाइप कास्ट कर देंगे। और राइट, और यहाँ पे अपनी एम एक्टिविटी पास कर देंगे, डेट्स इट, इतना आसान था। एंड उसके बाद जो हमारा अडाप्टर है ना, अडाप्टर, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे एक्चुअली,
और ना अपने अडाप्टर के अंदर इसको हम पास कर देंगे इस व्यू मॉडल को। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के साथ ना यहाँ पे एक बनाता हूँ व्यू मॉडल इज इक्वल टू व्यू मॉडल। अभी यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो चलते हैं अपने अडाप्टर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे वेयर व्यू मॉडल एंड चूज व्यू मॉडल, ठीक है। तो हो क्यों कुछ इस तरीके से रहा है, यहाँ पे हमने व्यू मॉडल बनाया, वो मैंने अडाप्टर को पास कर दिया और अडाप्टर में यहाँ पे हम अपने इवेंट्स को हैंडल करेंगे। तो हम इस तरीके से करेंगे कि रूट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, जब भी कि आइटम के ऊपर क्लिक हो तो कुछ इस तरीके से करो कि हैंडल इवेंट, हैंडल क्लिक इवेंट, और यहाँ पे मॉडल पास कर देंगे, दैट्स इट। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा फंक्शन बन चुका है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे व्हेन मॉडल डॉट टाइप, टाइप कॉपी नहीं करना, हम टाइप कर रहे हैं, एंड जब भी टाइप हो हमारी यहाँ पे रिमेनिंग ब्रांचेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा नोट्स नाइट मोड हो ना, तो कुछ इस तरीके से करें कि हमारा जो व्यू मॉडल के अंदर फंक्शन है ना द टोगल नाइट मोड, ये हमारा कॉल हो जाए, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। और राइट, यहाँ पे अपनी ओपन हो चुकी एप्लीकेशन, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, नाइट मोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये नाइट मोड हमारा इनेबल हो चुका है। अच्छा, मैं चाहता हूँ जब भी इसके ऊपर क्लिक हो ना तो ये ना हमारी हाइड हो जाए, समझ रहे हो। तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे चलते हैं टूल व्यू मॉडल में और यहाँ पे एक वेरिएबल लाइव डेटा बना लेते हैं, वेयर हाइट हाइड शीट एंड म्यूटेबल लाइव डेटा, और ये बुलियन टाइप का होगा और बाय डिफॉल्ट होगा फॉल्स, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से करेगा कि जब भी ये होगा ना तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाइड पोस्ट वैल्यू ट्रू, एंड ठीक हो गया। ऑलराइट, तो अभी हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि अपने चलते हैं अपने पीडीएफ टूल फ्रैगमेंट के अंदर और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, या फिर इसका एक और हल भी है, अगर मैं इसको ना लूँ ना, ठीक है, और कुछ इस तरीके से करूँ यहाँ पे इसी अडाप्टर के अंदर इसको पास कर दूँ ना, यहाँ पे फ्रैगमेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ्रैगमेंट का इसका वेरिएबल ले लूँ यहाँ पे अपने टूल अडाप्टर के अंदर कुछ इस तरीके से फ्रैगमेंट, और यहाँ पे बॉटम शीट डायलॉग फ्रैगमेंट, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं हम कि फ्रैगमेंट डॉट डिसमिस, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, इसको आप चेक करते हैं, ठीक है। ये मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे नाइट मूड एंड यहाँ पे वर्क कर रहा है एज एक्सपेक्टेड मैन, ठीक है। अभी यहाँ पे बुक मार्क मी और माई बुक मार्क्स को सेटअप करते हैं, तो ये करना बड़ा था ना, इसके लिए हम ना रूम डेटाबेस को यार इस वाली वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे। तो रूम डेटाबेस क्या है, रूम डेटाबेस एक समझ लो रैपर है सीक्यूलाइट के लिए। सीक्यूलाइट क्या है, सीक्यूलाइट एंड्रॉइड के अंदर डेटाबेस है जिसके अंदर कि हम परसिस्टेंट डेटाबेस रखते हैं। परसिस्टेंट डेटाबेस क्या होता है, परसिस्टेंट डेटाबेस ऐसा डेटाबेस होता है जो कि हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाए फिर भी वो चेंज नहीं होता। अब तुम बोलोगे शेयर प्रेफरेंस भी तो चेंज नहीं होता है ना, तो लेकिन शेयर प्रेफरेंस हम लिमिटेड डेटा सेव करा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत सारे डेटा सेव करा सकते हैं रोज एंड कॉलम में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे कि एंड्रॉइड रूम लाइब्रेरी, अभी यार एक एप सर्च नाम का भी आया है यार, मैं फ्लिप की वीडियो देख रहा था पिछले दिन, हाँ लेकिन हम रूम डेटाबेस यूज़ करेंगे, मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया अपनी एप्लीकेशन के अंदर किसी में, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन दी होगी कहीं नीचे ऊपर नीचे कहाँ पे है यार, रूम डेटाबेस ये पड़ी, ठीक है। और यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं नीचे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट, सिंक मारते हैं इसको। अपना प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है। तो रूम डेटाबेस के लिए ना हमें एंटिटीज बनानी पड़ती हैं, डाउज बनाने पड़ते हैं और डेटाबेस बनाना पड़ता है। ये क्या होता है, एंटिटीज अपनी सिंपल यार मॉडल क्लासेस होती हैं, और डाउज क्या होते हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी मदद से हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का एक इंस्टेंस होता है जो कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे एक पैकेज बनाऊंगा मैं जिसका नाम रखूंगा एंटिटीज, और यहाँ पे एक पैकेज बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा डाउज, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी एक एंटिटी बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं नोट्स एंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं इट्स गोइंग टू बी डेटा क्लास, तो इसको ऐसे मार्क करते हैं एंटिटी एंटिटी, और यहाँ पे टेबल नेम पास करना पड़ता है विच इज़ गोइंग टू बी नोट्स, एंड यहाँ पे अपनी सारे वेरिएबल वगैरह देने पड़ते हैं जो भी हम अपने इस टेबल के अंदर यूज़ करेंगे। हमारा होगा इंटीजर आईडी में इसको प्राइमरी की कर देते हैं यार, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट इज इक्वल टू ट्रू, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती रहेगी। उसके अलावा हमारे पास होगी बुक आईडी, के बुक आईडी के ऊपर हम ना, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम बुक आईडी के बेस के ऊपर अपना डेटा सेव कराएंगे, बुक आईडी की बेस के ऊपर अपना डेटा फेच भी करेंगे, यानी कि इस बुक की इस पेज की मेरे पास तमाम बुक मार्क्स आ जाए, सॉरी इस बुक की तमाम बुक मार्क्स आ जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे बुक आईडी ले लेंगे विच इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिंग, एंड उसके बाद होगी हमारी बुक मार्क पेज होगा, तो जो पेज हमने बुक मार्क किया होगा तो यहाँ पे पेज नंबर ले लेते हैं, ये होगा हमारा इंटीजर में। ऑलराइट, ये हमारी एंटिटी बन गई। अभी ना इसकी डाओ बनानी है, ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं डाओ जिसका नाम आप रखेंगे नोट्स डाओ, नोट्स डाओ, डाओ इसको, डाओ इसको नीचे हम स्ट्रैकिंग है ना, तो स्ट्रैकिंग में इसको कहते हैं डाओ इसको, बाहर के नीचे पाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, सॉरी गुस्से में इधर उधर निकल जाता है, सॉरी। तो यहाँ पे एक फंक्शन सस्पेंड फंक्शन इसे बनाते हैं और ये होगा गेट गेट नोट्स, और यहाँ पे ये गेट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बुक आईडी पास कर देते हैं विच इज स्ट्रिंग, और ये रिटर्न करेगी लिस्ट ऑफ नोट्स एंटिटी, नोट्स एंटिटी ये रिटर्न करेगी। ऑलराइट, तो ये पे क्या इशू आ रहा है फंक्शन बॉडी, अगर यहाँ पे इशू आ रहा है यार इसको ना इंटरफेस बनाना है, ये मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता है, आई एम सॉरी। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस बनाना है और यहाँ पे ना क्वेरी ले लेनी है, क्वेरी होगी हमारी कुछ इस तरीके से, तो हम इसको कहेंगे कि सेलेक्ट, ठीक है, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट्स, ठीक है, वेयर, ठीक है, बुक आई डी इक्वल टू बुक आई डी। ठीक है, हम इसको ये कह रहे हैं कि जो हमारा नोट्स वाला टेबल है उसमें से सॉरी नोट्स नहीं यार, हमारे बुक मार्क्स है यार, मैं नाम इसका गलत रख दिया, आई एम रियली सॉरी। इसको कर देते हैं बुक मार्क्स एंटिटी, इसको कर देते हैं, ठीक है, बुक मार्क्स स्टाफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बुक मार्क्स का टेबल नेम भी बुक मार्क्स, और यहाँ पे इसको डिक्शनरी में सेम कर देते हैं बुक्स मार्क, हाँ बुक मार्क करना था इसको यार, बुक्स मार्क मैंने कर दिए। राइट, ठीक है, कुछ इस तरीके से करेंगे कि बुक मार्क से सारी बुक मार्क सेलेक्ट कर लो, कहाँ से करो सेलेक्ट, जहाँ पे बुक आईडी इस बुक आईडी के इक्वल है, या हम उधर उसको पास कर देंगे। ठीक है, और एक और फंक्शन बना देंगे यहाँ पे स्पेंडेड फन एड, इसको भी कर देते हैं गेट बुक मार्क्स, एड बुक मार्क, ठीक है, और यहाँ पे बुक आईडी, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बुक आईडी नहीं, यहाँ पे एंटिटी ले लेगा एंटिटी बुक मार्क एंटिटी, ठीक है, और ये रिटर्न कराएगा बुक मार्क एंटिटी जो कभी इसने ऐड की। ठीक है, उसके अलावा हमें यहाँ पे कोई डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स हमें आई डोंट थिंक हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, रिमूव वगैरह का आप बना सकते हो, वो आप खुद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना डेटा बेस बनाना है, ये वो बड़ा आसान है, तो यहाँ पे कर देते हैं ऐप डेटा बेस। ठीक है, और तो हम कुछ इस तरीके से कराएंगे कि इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसको एक्सटेंड करा देंगे रूम डेटाबेस से। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ले लेंगे जो कि होगा कुछ इस तरीके से कि जो हमारी बुक मार्क डाओ होगी ना, वो होगी बुक मार्क डाओ। ऑलराइट, समथिंग लाइक दिस, और इसको एनोटेट कर देते हैं डेटाबेस से। ठीक है, और यहाँ पे एंटिटीज पास करते हैं, तो एंटिटीज होगी बुकमार्क एंटिटी कोलन क्लास, ठीक है, एंड वर्जन होगा हमारा 1। ऑलराइट, एंड एक्सपोर्ट स्कीमा कर देते हैं फोर्स। उसके बाद ना यहाँ पे हम एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट लेंगे और यहाँ पे करेंगे प्राइवेट वेयर इंस्टेंस, और जो कि इंस्टेंस होगा हमारा ऐप डेटाबेस का, वो जो बाय डिफॉल्ट होगा नल, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे, उससे पहले यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्पेस ले देता हूँ। ठीक है, फंक्शन बना लेंगे फन गेट डेटाबेस, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे ऐप डेटाबेस इसको रिटर्न कराएगा, और यहाँ पे चेक करेगा कि इफ़ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करेगा और यहाँ पे इंस्टेंस यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ऑलराइट, तो इंस्टेंस क्रिएट किस तरीके से करना है वो बड़ा आसान है, तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि इंस्टेंस इज इक्वल टू room database builder, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट पास करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी पास करेंगे, सो थ्रू आउट द एप्लीकेशन हमारा सेम इंस्टेंस चलता रहे। उसके बाद यहाँ पे हमने एप्लीकेशन एक क्लास पास करेंगे ऐप डेटाबेस :: क्लास डॉट जावा, और उसके बाद यहाँ पे नेम पास करेंगे, नेम हमारा होगा बुक्स_db। ठीक है, और यहाँ पे डॉट बिल्ड मेथड कॉल कर देंगे,
तो एक और काम करना है कि इसको अब सिंक्रोनस ब्लॉक में डालना है। वो क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे एक रेस कंडीशन होती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, एट अ सिंगल टाइम अगर दो जगह से इसी सेम इंस्टेंस को क्रिएट करने की रिक्वेस्ट आ रही है ना, तो वहाँ पे इशू आ जाएगा, दो हमारे इंस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे। तो उसके लिए ना हम यहाँ पे इसको सिंक्रोनस ब्लॉक में रखेंगे, तो इससे होगा ये कि हमारा ना एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं, अब हमने ये करना है कि एक और हमें फ्रैगमेंट बनाना है बॉटम शीट का, उसके अंदर हमारे सारी की सारी हमारे बुक मार्क शो होंगी, और बुक मार्क के ऊपर, बुक मार्क वाले ऑप्शन के ऊपर जब भी क्लिक करो ना, तो हमारी उस वाले स्पेसिफिक पेज की ना बुक मार्क वहाँ पे ऐड हो जाए विद अलॉन्ग विद बुक आईडी। तो सबसे पहले करते हैं यार क्या ना, एक बुक मार्क वाला फ्रैगमेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे चलता हूँ फ्रैगमेंट्स में, और यहाँ पे न्यू में आता हूँ। न्यू में आने के बाद यहाँ पे फ्रैगमेंट, एम्प्टी फ्रैगमेंट कर देते हैं बुक मार्क्स फ्रैगमेंट। ऑलराइट, अभी एक और करते हैं कि यहाँ से इसको सब कोड को रिमूव करते हैं, और यहाँ पे करते हैं एफ एम बाइंडिंग। तो ये हमारे कोड आ गए, ठीक है, फ्रैगमेंट बुक मार्क्स बाइंडिंग। अगर आपको इसके ऊपर अलग वीडियो चाहिए लाइफ टेम्पलेट्स के ऊपर, इतनी जल्दी इतना कोड किस तरीके से लिखा जाए, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, मैं अपने वाले भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा फ्री में बिल्कुल। एनीवे, तो यहाँ पे नहीं, हमें रिसाइकलर भी लेना, सिंपल ऊपर एक ड्रैग हैंडल लेना है और नीचे रिसाइकलर भी लेना। तो सिंपल ये हमारा पीडीएफ टूल जैसा, तो इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ, आइटम अंडरस्कोर बुक मार्क्स इसके ऊपर दे देता हूँ, और एम बुक मार्क्स आर वी। ऑलराइट, तो इसको यहाँ पे एक ले लेते हैं, बना लेते हैं इसको सैम्पल लेआउट। सैम्पल लेआउट में कुछ नहीं होगा, सिंपल एक बटन होगा हमारा, कुछ मेन रैप देते मटीरियल बटन, मटीरियल बटन, और यहाँ पे इसको रैप कोऑर्डिनेट कर देते हैं, और इसका जो, इसको मार्जिन दे देते हैं सबसे पहले ADP का, और इसका जो टैक्स होगा वो होगा फॉर एग्जाम्पल बुक मार्क का पेज है 10, तो इसका 10 इसका नेम होगा, कॉर्नर रेडियस उसका कर देते हैं ADP, और उसके अलावा इसको आईडी दे देती है MBTN बुक मार्क। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं हमारा कैसा लग रहा है, रिफ्रेश मारते हैं इसको। तो यहाँ पे ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो मैं स्पैन काउंट को ना यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो ऐसा होगा यहाँ पे अब ना हमारे 4 यहाँ पे समझ लो बटन यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अभी हम ये करते हैं कि इसका ना अडाप्टर बना लेते हैं बुक मार्क्स का, तो वो बड़ा आसान है। यहाँ पे अडाप्टर होगा हमारा, न्यू में जाता हूँ, अडाप्टर में जाता हूँ, और यहाँ पे बना लेता हूँ बुक मार्क अडाप्टर, ठीक है, और यहाँ पे बना लेता हूँ के आर वी अडाप्टर, और इसके इंटीजर लेगा जो हमारे बुक मार्क्स के पेजेस होंगे वो ये अपने उनकी लिस्ट लेगा। एंड देन कुछ इस तरीके से हम करेंगे कि यहाँ पे आइटम बुक मार्क बाइंडिंग्स ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ना एक और काम करते हैं कि यहाँ पे व्यू मॉडल भी ले लेते हैं, प्राइवेट वेयर व्यू मॉडल टूल व्यू मॉडल। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं BTN डॉट टैक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे कर देते हैं मॉडल, और मॉडल नहीं है इसको कर देते हैं पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर करने के बाद यहाँ पे पी नंबर कर देते हैं। ऑलराइट, ये हो गया, और इसके ऊपर जब क्लिक हो ना, तो हमारी जो स्पेसिफिक जो हमारा पेज है ना, जो हमारा बुक मार्क वो उसके ऊपर चल जाए, तो इसके ऊपर इस तरीके से करेंगे सेट ऑन क्लिक लिस्ट ना व्यू मॉडल, तो व्यू मॉडल में चलते हैं, व्यू मॉडल एक न्यू फंक्शन बनाते हैं विच इज़ गोइंग टू बी, ठीक है, फन जंप टू पेज, यहाँ पे पेज में होगा, और ये कुछ PDF एक्टिविटी डॉट PDF व्यू डॉट बाइंडिंग डॉट PDF व्यू डॉट जम्प टू पेज नंबर, और एन विद एनिमेशन, जी एनिमेशन, और यहाँ पे इसको हम कॉल कर देंगे डॉट। ऑलराइट, ये हो गया, तो हमारा ये वर्क करेगा, लेकिन अभी ने इसको हमने इनिशलाइज करना, तभी इसको हमने इनिशलाइज करना है अपनी बुक मार्क्स फ्रैगमेंट में, और उसके अलावा हमने यहाँ पे अपना डेटा गेट करना है अपने रूम डेटाबेस से, उसके अलावा हमने ये सीखना है कि हम किस तरीके से अपनी बुक मार्क को ऐड करें, तो चलो वो भी करते हैं। ऑलराइट, तो चलो चलते हैं अपने बुक मार्क फ्रैगमेंट के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले इसको इनिशलाइज कर देते हैं, ठीक है, एंड क्या कहाँ गया हमारा जो PDF टूल फ्रैगमेंट है, वहीं से थोड़ी इंस्पिरेशन लेते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले व्यू मॉडल ले लेंगे, और करेंगे प्राइवेट, यहाँ पे टूथ मॉडल की जगह यहाँ पे लेंगे इंटीजर, ठीक है, लेंगे हम अपना टूल्स सॉरी बुक मार्क्स अडाप्टर, यहाँ पे लिस्ट पास कर दी फ्रैगमेंट हमें, ठीक है, फ्रैगमेंट भी हम पास करना चाहिए यार, तो टूल्स फ्रैगमेंट से ना,
ठीक है, इसको एक्सटेंड करा देते हैं, बोट ऑफ शी डायलॉग फ्रेगमेंट, शी डायलॉग फ्रेगमेंट। ऑलराइट, ये करने के बाद हम इन्हें इसको इनिशलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, एम अडाप्टर इज इक्वल टू अडाप्टर, और यहाँ पे अपना डेटा गेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे गेट डेटा नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से करेंगे कि वेल डेटा बेस इज इक्वल टू एप डेटा बेस डॉट गेट इंस्टेंस, और यहाँ पे अपने कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, और यहाँ पे कोरूटीन स्कोप लॉन्च करेंगे, कोरूटीन स्कोप डिस्पैचर्स डॉट आयो 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 डॉट लॉन्च। ओहो, यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे कि डेटाबेस डॉट, यहाँ पे ऑपरेटर भी लगा देंगे, डाओ डॉट गेट बुक मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे अपनी बुक आईडी यहाँ पे पास कर देंगे। तो बुक आईडी हमें कहाँ से मिलेगी? तो बुक आईडी हमें मिलेगी अपनी हमारी एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी में एक वेरिएबल ले लेंगे जो कि हम बाद में ना अपनी गेट कर लेंगे, और उससे इंटेंट से बुक आईडी को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे बुक आईडी पास कर देते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी ले लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। वेल एक्टिविटी एम एक्टिविटी इज इक्वल टू रिक्वायर एक्टिविटी एज पी डी एफ एक्टिविटी, और यहाँ पे एम एक्टिविटी डॉट बुक आई डी, राइट। और इसके ऊपर हम फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर ईच, और यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे कि लिस्ट लिस्ट डॉट एड इट डॉट बुक आई डी, सॉरी पेज नंबर, और एंड पे कुछ इस तरीके से करो कि रन ऑन यू आई थ्रेड एक्टिविटी एम एक्टिविटी रन ऑन यू आई थ्रेड, यहाँ पे अडाप्टर के वो नोटिफाई कर दो डेटा सेट चेंज। यहाँ पे अपनी डिफ्यूटर को भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो। अच्छा, एनीवे, तो ये अभी कुछ कार्य इस तरीके से रहा है। सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस से अपनी सारी बुक मार्क गेट कर रहा है। बुक मार्क गेट करने के बाद ना अपने यूआई थ्रेड के ऊपर आके वो अपने डाटर अडाप्टर को इनिशलाइज कर देता है। अगर मैं यूआई के थ्रेड के ऊपर नहीं आऊँगा, अडाप्टर को वहीं पर इनिशलाइज कर दूंगा, तो उससे होगा ये कि हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, क्योंकि हम आयो थ्रेड के ऊपर, ठीक है, इनपुट आउटपुट थ्रेड के ऊपर हम अपना अडाप्टर को नोटिफाई नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे फंक्शन डन हो गया। तो अभी कुछ इस तरीके से करना है कि जब भी बुक मार्क के ऊपर क्लिक हो तो हमारा वो वाला पेज हो जाए बुक मार्क। ये बड़ा आसान है। तो यहाँ से इस लाइन को सबसे पहले कॉपी करेंगे और जाएंगे टूल्स अडाप्टर के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे ना डेटाबेस हम सबसे पहले यहाँ पे बना लेंगे, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड टू बुक मार्क्स पे आएंगे, ऑलराइट। और यहाँ पे कॉल करेंगे, सर इसको ना यार व्यू मॉडल के अंदर लेके चलते हैं, ठीक है। व्यू मॉडल के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे डेटाबेस आ गया, पीडीएफ एक्टिविटी यहाँ पास करते हैं, और यहाँ पे करते हैं कि फन ऐड बुकमार्क, और यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा, पेज नंबर आ जाओ भाई, मेरा लैग कर रहा है यार। और यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा, और यहाँ पे डेटाबेस डाओ डॉट ऐड बुक मार्क, और यहाँ पे बुक मार्क एंटिटी हम दे देंगे। तो एंटिटी होगी इस तरीके से, वेल एंटिटी इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे अगर बुक मार्क ये भी ना लेना तो फिर भी हमारा काम चलेगा, मैं बताता हूँ कैसे। पेज नंबर सर ना ले तो यहाँ पे बुक मार्क एंटिटी बनाते हैं, बुक मार्क एंटिटी, यहाँ पे आईडी 0 ले लेंगे, और यहाँ पे बुक आईडी पीडीएफ एक्टिविटी से ले लेंगे डॉट बुक आईडी, और यहाँ पे पेज नंबर भी यहीं से लेंगे, पीडीएफ एक्टिविटी डॉट पी बाइंडिंग डॉट पी डी एफ व्यू डॉट डॉट पेज करंट पेज, ऑलराइट। तो ये हमारा बन चुका है एंटिटी, और यहाँ पे हम इसको करा देंगे एंटिटी, ठीक है। और यहाँ पे इसको ना सस्पेंडेड फंक्शन भी अंदर डालना पड़ेगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे यार अपना मैंने इसको एमुलेटर को बंद कर देता हूँ, मेरा ना लैग बड़ा कर रहा है यार, राइट। अभी कुछ स्मूथ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कहते हैं, को रूटीन स्कोप डिस्पैचर्स डिस्पैचर्स डॉट आयो डॉट लॉन्च, ऑलराइट। तो यहाँ पे अभी इस फंक्शन को बस कॉल करना है, ठीक है। जिस तरीके से करेंगे, व्यू मॉडल डॉट ऐड बुक मार्क, ऑलराइट। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, हमारी बुक मार्क यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे बुक मार्क्स का और नोट्स का रहता है, तो इसको भी करते हैं, लेकिन उससे पहले ना जरा इस वाले फंक्शन को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो चलो एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो हमारे पास ये एरर हो चुका है, इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, यहाँ पे ना इसका कंपाइल एस टी के टारगेट SDK 34 कर देना है, सिंक नाउ क्लिक कर पे क्लिक करना है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ एरर आएंगे, मैं आपको बता दूँ कौन से। तो हम ना दो तीन चीज़ें करना भूल गए थे, मुझे अभी याद नहीं तो उसको कर देते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसका जो प्रोसेसर है, क्या कहते हैं इसको, कंपाइलर सॉरी रूम का, वो हमने ऐड करना है यहाँ पे।
उसके अलावा हम कोर रूटीन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो कोर रूटीन्स के लिए हमें ठीक है KTX आर्टिफैक्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम ऐड हो गया, ये आपको ना गिटहब पे मिल जाएंगे सारे डिपेंडेंसी। उसके बाद इसको सिंक ना करना है। अच्छा, उसके बाद भी ना हमने ना यहाँ पे बुक मार्क डाओ को एज अ बुक मार्क एक तो मार्क नहीं किया, ये देखो बुक मार्क मार्क करना है। और यहाँ पे इसके रिटर्न या टाइप यहाँ हटा देनी, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, उसको इंसर्ट फंक्शन को इसकी एनोनेट कर देना। अच्छा, अब जरा एप्लीकेशन को रन करते हैं हम, उम्मीद है रन हो जाएगी। और राइट, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और देखते हैं हमारे पास टूल्स ओपन होते हैं कि नहीं। ये हो गए, बुक मार्क मी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये ऐसे बुक मार्क हो चुकी है। अब ये पता कैसे चलेगा, हम यहाँ पे टोस्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो इंस्पेक्शन के अंदर चलते हैं। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इसी को, प्राइवेट बुक की फर्स्ट राइट हो गई। यहाँ पे ना डेटाबेस इंस्पेक्टेड में से हम चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस के अंदर ये बुक मार्क की एंट्री हुई है या फिर नहीं, तो ये कनेक्ट हो जाए इसके साथ। राइट, तो ये कनेक्ट हो चुका है, तो इसको अगर लोड करने दो। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये लोड हो चुके हैं बुक मार्क्स, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन करता हूँ, देखते हैं हमारे पास कोई एंट्री है या नहीं। एज यू कैन सी हियर, पेज जीरो की एंट्री है। यहाँ पे लाइव अपडेट में ऑन करता हूँ और मैं ना दूसरे या फिर आगे जाकर किसी पेज में जाकर बुक मार्क करता हूँ। मैंने बड़ा स्लो हो गया यार आज। ठीक है, बुक मार्क में यहाँ पे देखो पेज नंबर 3 यानी कि 4 पेज नंबर की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम करते हैं कि अपना बुक मार्क जो वाला फ्रेगमेंट है ना जिसके अंदर सारी बुक मार्क्स शो हो रही है, ठीक है, तो वो कराते हैं, उसको शो कराना है। वो भी कोई शो कराना बड़ा आसान है, जब फ्रैगमेंट लेते हैं बुक मार्क्स फ्रैगमेंट इज इक्वल टू बुक मार्क्स फ्रैगमेंट, ठीक है, एंड बुक मार्क फ्रैगमेंट्स डॉट शो, एंड यहाँ पे एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट एज एक्टिविटी लेना पड़ेगा। एक्टिविटी इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट एज एक्टिविटी, एक्टिविटी पास करनी पड़ेगी। फिर स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, इसको कॉम्पैक्ट एक्टिविटी लेना पड़ेगा। फिर नॉट रॉन्ग कंपोनेंट कॉम्पैक्ट, लेट मी जस्ट सी, ऐप कॉम्पैक्ट होती है कंपोनेंट होती है, सो किसी एक्टिविटी के अंदर चलते हैं। सो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, कॉम्पैक्ट एक्टिविटी स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, और यहाँ पे बुक्स फ्रैगमेंट डॉट टैग। ऑलराइट, तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारे बुक मार्क हमारे पास शो होती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे रनिंग डिवाइस में चलते हैं और देखते हैं इसको लोड होने का टाइम लगता है। ऑलराइट, तो चेक करते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आता। यहाँ पे चलते हैं माय बुक्स मार्क, माय बुक मार्क्स के अंदर, और यहाँ पे देख सकते हो जितनी हमारे बुक मार्क्स हैं वो शो हो रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना बुक मार्क्स 0 से स्टार्ट हो रही है, मैं चाहता हूँ ये 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे पीछे वाला फ्रैगमेंट डिसमिस भी नहीं हो रहा। चेक करते हैं इसके ऊपर क्लिक करके उस पेज के ऊपर जाता है या फिर नहीं। एज यू कैन सी उस पेज के ऊपर चला गया, और ये मैंने फ्रैगमेंट वाले डिसमिस करवाना है, ये बड़ा आसान है। और ये यहाँ से डिसमिस हो गया, चलते हैं अपने बुक मार्क्स डॉक्टर में एंड जिम टू, यहाँ पे इसको डिसमिस करा देते हैं। ऑलराइट, एंड ये हमारा डन हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से करना है कि पेज नंबर +1, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। और उसके अलावा आप यहाँ पे एक चेक भी लगा सकते हो कि ऑलरेडी जो बुक मार्क हो वो बुक मार्क ना हो, वो काफ़ी ईजी है यार, आई मुझे पता है आप कर लोगे। तो एक बार इसको अगेन रन करके चेक करते हैं। और राइट, तो एप्लीकेशन नंबर हो चुकी है, माई बुक्स मार्क चलते हैं एंड ये एवरीथिंग इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। पहले पेज के ऊपर चलते हैं, या इट्स वर्किंग। और राइट, तो यहाँ पे अपना इसको बुक मार्क करते हैं, हो गई बुक मार्क। यहाँ पे आप टोस्ट भी शो करा सकते हैं, नाइट मोड ओपन हो रहा है, नोट्स नहीं हो रहे हैं। नोट पे क्लिक करूंगा क्रैश हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे टू टू लगा हुआ है ना। तो अभी नोट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, नोट्स को इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है। तो फिलहाल सारी चीज़ों को मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे एक फ्रैगमेंट बना देता हूँ विच इज़ गोइंग टू बी ऑल्सो बॉटम शीट डायलॉग फ्रैगमेंट। और वीडियो के एंड पे आते आते मैं आपको इसको iOS वाला स्टाइल इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। फ्रैगमेंट का तो ये ब्लैंक में इसको कर देते हैं नोट्स फ्रैगमेंट। ऑलराइट, ऑलराइट, सो इसको FN बाइंडिंग करते हैं, FN बाइंडिंग, एंड यहाँ पे फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट नोट्स बाइंडिंग ये आ गया। तो भाई हमने ये करना है, इसके अंदर का जो लेआउट है वो इस तरीके से होगा, ऊपर एक स्टैकर भी लगा होगा, नीचे एक इनपुट टैक्स होगा और साथ में एक ऐड नोट का बटन होगा। ये भी करना काफ़ी आसान है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक कॉन्स्टेंट लेआउट ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट लेआउट लेने, ये कॉन्स्टेंट लीनियर लेआउट ले लेते हैं। लीनियर लेआउट इसकी ओरिएंटेशन करते हैं वर्टिकल, और यहाँ पे साइकिल भी लेते हैं सबसे पहले, साइकिल मैच पेयर मैप कंटेंट, इसकी ये जो लेआउट मैनेजर होगा विच इज़ गोइंग टू बी लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसका जो लिस्ट आइटम होगा वो होगा आइटम अंडर स्कोर नोट।
नोट्स एंड इसके आईडी दे देते हैं एम नोट्स आर वी राइट, और नीचे एक साइकिल व्यू सॉरी लिनियर लेआउट ले देते हैं मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसके अंदर हम लेंगे एक एडिट टेक्स्ट, ठीक है जस्ट सी एडिट टेक्स्ट ले लेंगे, इसको कर देंगे मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसका हिंट दे देंगे इंटरव्यू नोट नोट, ठीक है। और एक काम करते हैं ना, इसका जो बैकग्राउंड है ना उसको हम व्हाट्सअप के स्टाइल कर देते हैं, वो बड़ा आसान एक न्यू ड्रॉ पे बना लेंगे, ठीक है ई डी टी एन उसको बी जी इसका नाम रख देते हैं, इसको करते हैं शेप और इसको सॉलिड कलर दे देते हैं, सॉलिड कलर कलर कौन सा लगाएं यार, चेक करते हैं कौन सा सही लगेगा, कोई कस्टम से ले लेते हैं मे बी फाइन, एंड इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो दे देते हैं, रेडियस होगा 10 dB का राइट, इसको चलते हैं और इसको बैकग्राउंड दे देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड EDT बैकग्राउंड, तो हमने उस एड टेक्स्ट को उस बैकग्राउंड को इधर एज ए बैकग्राउंड सेट कर दिया उस शेप को सॉरी, उसके बाद यहाँ पे एक पैडिंग दे देते हैं 10 dB की राइट, तो अभी ये सही लगा है। तो अभी एक काम करना है, यहाँ पे एक ऐड का बटन यहाँ पे लगाना है, या फिर एक सिंपल बटन ले देना मटीरियल का, मटीरियल बटन रैप कंटेंट का रैप कंटेंट करते हैं, इसका टेक्स्ट ले देते हैं ऐड, ठीक है। और भी काम करते हैं, इसको वेट देते हैं 1 का, ठीक है, और इसको मार्जिन एंड दे देते हैं 4 dB, 8 वुड बी बेटर, ठीक है। और इसका भी ना कलर यार, इसका कलर थोड़ा मेरे सही नहीं लग रहा, सोच में जाके इसको सेट कर लेते हैं क्या कहते हो, और इसका जो टेक्स्ट कलर है ना उसको कर देंगे हम वाइट, टेक्स्ट कलर वाइट, हिंट कलर ग्रे, टेक्स्ट ग्रे, अब ठीक है राइट। तो ये हो गया, और इसको ना ऑरिजेंटली पैडिंग दे देंगे लिंक मिले आपको, पैडिंग ऑरिजेंटल 8 dB, ठीक है। तो अब भी ठीक लग रहा है, थोड़ी सी इसको ना कॉर्नर रेडियस कर देते हैं 16, अब ठीक है। तो अभी रिसाइक्लर व्यू को ना एक काम करते हैं, वेट दे देते हैं 1 का, ओके। तो ये हो गया, ये हमारा नीचे आ गया और ये हमारे ऊपर आ रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ड्रैग हैंडल ले लेते हैं, ड्रैग हैंडल मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ठीक है ये हो गया। तो अभी इसका आइटम नोट्स बनाना है, वो बनाना बड़ा आसान है, तो काम करेंगे हम यहाँ पे ना एक लेंगे टेक्स्ट व्यू, इसको कर देंगे रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट कर देंगे, पैडिंग दे देंगे 8 dB की, टैक्स इधर कोई डिस्क्रिप्शन टैक्स दे देते हैं डिस्क्रिप्शन 1, एंड अभी एक काम करना है, ठीक है इसको एक काम करते हैं, ऊपर से लिखते हैं लिनियर लेआउट, और इसको स्टार्ट से मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन स्टार्ट 16 dB 32, इट्स बेटर। और उसके बाद हमें ये करना है कि इसका एक बैकग्राउंड सेट करना है, तो इसको कलर कर देते हैं ब्लैक, प्योर ब्लैक, उसको बैकग्राउंड सेट कर देते हैं TXT को शेप, अजीब अजीब से नाम रखे जा रहा हूँ मैं आज, इम्प्रोवेबल भी होगा ये, ठीक है। और ये सिमिलर ही होगा, बस इसका कलर चेंज होगा, तो हम इसका भी कलर चेंज करके इसको यूज़ कर सकते थे, तो मे बी शिमर को थोड़ा सा ना कस्टमाइज कर लें, इस टाइप का कलर हो, ठीक है जब सही लग रहा है। और एक काम करते हैं, इसको मार्जिन वर्टिकल दे देते हैं 8 dB का, अब ठीक लग रहा है। और यहाँ पे आप चेक करते हैं, और टॉप को इसको रैप कंटेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने यहाँ पे नोट्स ऐड कर पाएंगे, ऑलराइट। तो अभी इसका अडाप्टर बनाते हैं, तो उससे पहले इसकी एंटिटी बना देते हैं यार, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कॉपी बनाते हैं, सॉरी यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नोट्स एंटिटी, और यहाँ पे कर देते हैं नोट्स, नोट्स आईडी रहेगी, ठीक है, बुक आईडी रहेगी, पेज नंबर यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा वेल नोट्स, नोट स्ट्रिंग, ये नोट होगा हमारे स्ट्रिंग में। सो अभी यहाँ इसका डाउट भी बना देते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं नोट्स डाउट, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से करेंगे कि गेट नोट्स, यहाँ पर ये सेम होगा, यहाँ पे ये नोट्स से गेट करेंगे नोट्स इस बार, राइट। एंड यहाँ पे रिटर्न करेगा नोट्स एंटिटी, यहाँ पे एड नोट, एंड ये हमारा डाउन यहाँ पे बन चुका है, इसको डेटाबेस में भी यहाँ पे कर लेते हैं सेटअप इसका, एंड यहाँ पे लेते हैं नोट एंटिटी कोलन कोलन क्लास, क्लास सिर्फ जावा नहीं, क्लास सिर्फ, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे इसकी डाउ ले लेते हैं, नोट डाउ, नोट्स डाउ,
एस पी लगा देता हूँ, अच्छा लगेगा। अब इसका डॉक्टर बनाते हैं, तो डॉक्टर बनाना बड़ा आसान है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम लगेंगे नोट्स अडॉप्टर, और ये होगा कि आरवी अडॉप्टर हम यूज़ कर लेंगे अपना लाइव टेम्पलेट। कहाँ गया कि आरवी अडॉप्टर, और यहाँ पे होगा नोट्स एंटिटी, और यहाँ पे होगा आइटम नोट बाइंडिंग, और यहाँ पे हम अपना डेटा सेट करा देंगे समथिंग लाइक दिस नोट। सॉरी, यहाँ पे हमने आईडीज नहीं दी, इसकी आईडी दे देते हैं, आईडी एम एम नोट, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे एम नोट डॉट टेक्स इज इक्वल टू मॉडल मॉडल डॉट नोट, इतनी सी बात है। उसके बाद सबको करेंगे क्लोज, चलेंगे फ्रैगमेंट के अंदर, फ्रैगमेंट के अंदर, और यहाँ पे इसको सेटअप कर लेंगे। तो हमें ये व्यू मॉडल भी चाहिए होगा, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, चाहेंगे आप एक्टिविटी में बना सकते हैं और वहाँ से कॉल करा सकते हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और अभी कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले व्यू मॉडल मैनेजर चलते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं फन एड नोट, और यहाँ पे नोट लेगा ये स्ट्रिंग में, ऑलराइट। और ये कुछ इस तरीके से करेगा, कोटिंग स्कोप सबसे पहले यहाँ पे लॉन्च करेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे सबसे पहले एंटिटी बनाएगा। वेल एंटिटी, ये एंटिटीज नहीं, सेम नहीं होगी, नोट्स एंटिटी होगी, ठीक है। आईडी जीरो एंड पीडीएफ एक्टिविटी डॉट बुक आईडी, एंड उसके बाद यहाँ पे नोट इंट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करा देंगे, डेटाबेस डॉट नोट एड नोट, एंड यहाँ पे एंटिटी पास करा देंगे, दैट्स इट। तो इसके ना कंस्ट्रक्टर में ना एंटिटी मैंने यहाँ पे चेंज करनी है, विच इज़ गोइंग टू बी नोट्स एंटिटी, ठीक है। ये हो गया, तो इसके बाद हमने ये करना है कि यहाँ पे अपनी रिसाइक्लर व्यू को सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, प्राइवेट वेल नोट्स लिस्ट म्यूटिपल लिस्ट नोट्स एंटिटी इक्वल टू म्यूटिपल लिस्ट ऑफ, एंड यहाँ पे प्राइवेट वेल अडॉप्टर बाय लीजिए, और यहाँ पे करेंगे नोट्स अडॉप्टर, और यहाँ पे लिस्ट पास कर देंगे, और यहाँ पे नोट लिस्ट पास कर देंगे, और यहाँ पे रिक्वायर एक्टिविटी वो पास कर देंगे अपना कॉन्टेक्ट, सॉरी। ऑलराइट, तो अभी इसके अंदर वो चीज़ में हमें फ्रैगमेंट चाहिए होगी यार, उनको भी अभी दिख रहा है। इसके अडॉप्टर में हमें फ्रैगमेंट भी चाहिए होगा, ठीक है, और व्यू मॉडल भी चाहिए होगा। नहीं, व्यू मॉडल में नहीं चाहिए होगा, इसमें सिर्फ फ्रैगमेंट, नहीं फ्रैगमेंट भी नहीं चाहिए। ओके, मैं बताता हूँ किस तरह से करेंगे। ये करने के बाद हम इस तरीके से करेंगे कि एम या अडाप्टर इसके सेट करा देंगे, अडाप्टर सेट हो गया, एंड यहाँ पे करेंगे गेट डेटा नाम बनाएंगे सिस्टम, सॉरी फंक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे डेटा बेस गेट कर लेंगे, डेटा बेस इक्वल टू एप डेटा बेस डॉट गेट इंस्टेंस, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, और डेटा बेस यहाँ पे कोडिंग स्कोप से पहले लॉन्च करेंगे, कोडिंग स्कोप डिस्पैचेस डॉट आई ओ डॉट लॉन्च, और डेटा बेस नोट्स डाओ गेट नोट्स, और यहाँ पे एक्टिविटी से यहाँ से अपनी ले लेंगे पी डी एफ एक्टिविटी, इसकी बुक की आगे ले लेंगे, एंड रिक्वायर एक्टिविटी एज पी डी एफ एक्टिविटी। ऑलराइट, तो यहाँ पे पी डी एफ एक्टिविटी से ना बुक की आईडी ले ली हमने, बुक आईडी। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे इसके फोर इच लाएंगे, और इसको ना नोट लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे इट, एंड यहाँ पे रन ऑन पी डी एफ एक्टिविटी डॉट रन ऑन यूर थ्रेड और अडॉप्टर डॉट नोटिफाइड नोटिफाइड डेटा सेट चेंज, आई गॉट यू बेबी। हो गया, ये हो गया। तो अभी हमने यहाँ पे नोट्स को ऐड करने का सीखना है, वो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको ना आईडी दे देते हैं, तो यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं, आईडी बीटीएम का नोट, आईडी इसको बीटीएम इसको ऐड इसका नोट, ऑलराइट, ऐड इसका नोट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड नोट के पूछा है यहाँ पर लिखेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डेटा बेस ना हम ऊपर गेट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड कुछ इस तरीके से करेंगे वेल डेटा बेस बाय लीजी, एक्चुअली इसके बगैर हो जाएगा यार, इसको नीचे रहने दो, सॉरी। आधा काम मैंने असल में व्यू मॉडल में किया, आधा यहाँ पे फ्रैगमेंट में किया, करना नहीं चाहिए था, बट ओके चलता है। ये बिगिनर फ्रेंड ट्यूटोरियल है, तो मुझे परवाह नहीं इसकी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं जाना चाहता। तो बी टी नैट नोट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, इसको सेट कराएंगे, जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो यहाँ पे नोट कट कर लो, वेल नोट इज इक्वल टू ई डी टी नोट डॉट टेक्स डॉट टू स्ट्रिंग, और इफ़ नोट इज एम्प्टी तो यहाँ से रिटर्न करो, और भाई साहब को टोस शो करा दो कि भाई क्या है यार, तुम टेक्स्ट और नोट तो ऐड करो पहले, ठीक है,
प्लीज ऐड नोट टू कंटिन्यू कंटिन्यू और यहाँ पे टोस्ट टोस्ट डॉट लाइन शो डॉट शो, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे व्यू मॉडल डॉट ऐड नोट और यहाँ पे नोट, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हम गेट डेटा वाला फंक्शन कॉल करा देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारी फंक्शनलिटी हो गई। तो वो भी काम करना है इसको ना, टूल ड्राफ्टर में जाकर इसको शो करवाना है। तो इस काम करते हैं एक्टिविटी को यहाँ पे ले जाते हैं एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे ज़्यादा फ्रैगमेंट को डिसमिस करवाएंगे एंड यहाँ पे करेंगे वैल नोट्स फ्रैगमेंट इक्वल टू नोट्स फ्रैगमेंट एंड नोट फ्रैगमेंट डाय शो। तो इसको बॉटम फिर डायलॉग फ्रैगमेंट से एक्सटेंड नहीं कराया, बॉटम शीट डायलॉग फ्रैगमेंट। ऑलराइट, तो चलते हैं यहाँ पे डॉट शो एंड एक्टिविटी डॉट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर एंड नोट्स फ्रैगमेंट डॉट टैग, ठीक है। तो इसको हम नीचे ले आते हैं एंड अभी ज़्यादा एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं वर्क कर रही है या फिर नहीं। इतनी जल्दी मैंने नोट्स वाला फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करना सिखा दिया, लाइक तो बनता है यार, ठीक है। रनिंग डिवाइस चलते हैं। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन हमने जो किया है, होप कोई क्रैश वगैरह ना आए। तो चलते हैं अपनी नोट्स वाली फंक्शनैलिटी में, माई नोट्स में चलते हैं। तो यहाँ पे नोट्स का आ रहा है और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर गई। वाह, देखते हैं क्यों क्रैश हो गया। तो चलते हैं अपने लोकेट के अंदर। तो ये ना हमने न्यू एंटिटी ऐसे में ऐड किया ना, तो रूम का वर्जन यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है यहाँ पे अपडेट अभी इसमें। इधर मैं यहाँ पे वर्जन अपडेट कर दूँ, ठीक है। अगर मैं मेरी कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी लाइव है और उसको मैं अपडेट करूँ तो ऑब्वियसली तब मैं वर्जन अपडेट करूँगा, क्योंकि अब मेरी एप्लीकेशन टेस्टिंग में है। तो मैं इसको अनइंस्टॉल करूँगा और इसको दोबारा रन करूँगा एंड अब देखना ये वर्क करेगी इंशाल्लाह। ऑलराइट, तो यहाँ पे ओपन हो चुकी है यहाँ पे माई नोट्स। यहाँ पे एक नोट ऐड करते हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से, ऐड नोट एंड देखते हैं हमारा डेटाबेस के अंदर ऐड हुआ है या फिर नहीं। एंड वेयर इज माई डेटा पीस बेबी, ऐप इंस्पेक्शन में चलते हैं। अनलेस सी, अभी वहाँ पे शो नहीं हो रहा, देखते हैं वो भी क्यों नहीं शो हो रहा। लेकिन पहले डेटाबेस के अंदर चेक कर लेना, डेटाबेस के अंदर मेन है ऐड हुआ है या फिर नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा डेटाबेस के अंदर नोट ऐड हो चुका है। उसको मैं जितनी बार कर रहा हूँ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसको एक और काम भी करना है कि यहाँ पे आइटम नोट में जाके ना, आइटम नोट्स में जाके वो भी चेक करते हैं कभी फर्स्ट टाइम हो उसको कैसे लाना है। ग्रेविटी इसको एंड करा देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा एंड पे शो हुआ करेगा। एंड जरा एप्लीकेशन को ना दोबारा रन करते हैं। ऑलराइट, एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुकी है। माई नोट्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ये एंड पे शो करा रहे हैं और यहाँ पर देते हैं हेलो नोट आई एम नोट, ठीक है। और यहाँ पे पता नहीं क्या इशू आ रहा है, इसको देखते हैं ये क्या इशू है। ये इशू हो रहा है यहाँ पर, लेट मी जस्ट सी मरा कहाँ गया नोट्स फ्रैगमेंट। और यहाँ पे ना एवरी टाइम हम यहाँ पे अपनी ओल्ड लिस्ट को करा देंगे क्लियर, ताकि ओल्ड लिस्ट में सारा डाटा क्लियर हो जाए और फिर नया डाटा इसके अंदर ऐड हो। ऑलराइट, एंड गेट नोट्स में नोट्स एंटिटी लिस्ट रिटर्न करा रहा है, लेट्स इसको चेक करते हैं। ऑलराइट, तो चलते हैं माई नोट्स के अंदर और यहाँ पे आप देखो आ रहा है नोट थ्री, इसको ऐड करा देते हैं मैं नोट थ्री। अच्छा, यहाँ पे ना आई गेस ऐड हो गया, मसला ये कि ना थोड़ा टाइम ले रहा है वो लोड होने में, ठीक है। तो यहाँ पे नोट फोर एंड लेट्स सी, ओके आ रहा है। बट प्रॉब्लम इज़ कि ये तो टाइम क्यों ले रहा है। इतने और काम करते हैं यहाँ पे ना नोट्स फ्रैगमेंट के ना, जब नोट ऐड हो जाए ना तो ऐसे करते हैं कि ऐड नोट का ना टैक्स इक्वल टू कर देते हैं नल एंड ऐप इंस्पेक्शन के अंदर एक बार चलते हैं, मुझे एक चीज़ टेस्ट करनी है। वैसे आपको पता है मैं एवरी टाइम ना वीडियो बनाने से पहले एक बार एप्लीकेशन खुद बनाता हूँ, ये इस बार मैं नहीं बनाई, मैंने कहा नहीं इस बार मैं नहीं बनानी, तो टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है। 1 2 3 ओके, तो आप स्ट्रिंग इसको रिवर्स भी कर सकते हो एरे को वगैरह। नोट सिक्स, ठीक है, नोट सिक्स लेट मी सी लाइव अपडेट नोट सिक्स। अच्छा, तो ये कुछ इशू हो सकता है या फिर साइकिलर व्यू में ना, या फिर इसकी पैडिंग शायद हम नीचे सेट करें तो सारे नोट शो होना शुरू हो जाए। तो एक काम करते हैं पैडिंग बॉटम 80 dp एंड क्लिप टू पैडिंग बॉक्स, अब देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो टू माय नोट्स एंड या ये शो हो रहे हैं, सारे शो हो रहे हैं। देखो नोट 7 देखा ऐड हो गया, वो पैडिंग का इशू था। ओके, तो नोट वाला अपनी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी क्या रहता है, तो अभी इसको ना सेट करते हैं जैसे पहले थी। यहाँ पे मेन एक्टिविटी को पीछे करते हैं, मेन एक्टिविटी सॉरी मेन पे लेके आते हैं और पीडीएफ एक्टिविटी काम करेंगे पीछे और एक और काम करेंगे
यहाँ पे इसको सब क्लोज करते हैं, पीड इफेक्टिविटी में चलता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं कुछ इस तरीके से, लेटेनेंट वेयर बुक आईडी स्ट्रिंग और लेटेनेंट वेयर बुक पीडीएफ, ठीक है। और इसको अगेन जैसे पहले थी वैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट गो टू द बुक्स अडाप्टर, होम अडाप्टर, होम चाइल्ड अडाप्टर में हमें यहाँ बुक मॉडल एंड ये डिटेल्स एक्टिविटी ओपन हो रही है। डिटेल एक्टिविटी से हमें आगे जाना है एंड डिटेल एक्टिविटी से हमें बुक मॉडल सॉरी पीडीएफ एक्टिविटी में जाना है। तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल और यहाँ पे था, ओके। तो यहाँ पे बुक पीडीएफ यहाँ पे पास हो रही है और यहाँ पे हमें कराना है बुक बुक अंडरस्कोर आईडी, और ये आईडी कहाँ से मिलेगी, मॉडल से मिलेगी, मॉडल बुक मॉडल डॉट टाइटल इमेज। तो यहाँ पे हमारी बुक की आईडी नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि टाइटल और ऑथर को ना एज अ बुक आईडी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमें अपने फायरबेस में कुछ चेंजेस भी नहीं करने पड़ेंगे, तो ये हमारा काम भी हो जाएगा। डॉलर ऑथर, राइट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ एक्टिविटी में चलते हैं और इन दोनों को यहाँ पे ना गेट कर लेते हैं, और कुछ इस तरीके से करेंगे बुक पीडीएफ इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा बुक अंडरस्कोर अंडरस्कोर पीडीएफ डॉट टू स्ट्रिंग एंड सेम विद बुक आईडी समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे फ्रॉम एसेट की जगह फ्रॉम यूआरए कर देंगे अगेन एंड डॉट टू यूआरए, ऑलराइट, ठीक हो गया। तो अभी एक काम करते हैं कि एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं और टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको मैं ना इंप्लीमेंट करना सिखाता हूँ। एड मूव एंड देन वीडियो एंड करते हैं। आई नो आईडी बुक रहती है, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा, वो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगेगी मैंने यार। तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। सर मेरी ना एक्चुअली माइक का थोड़ा इशू हो गया था, तो मैं आपको कोशिश किया कि मैंने माइक कर लिया। अच्छा एनीवे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, यहाँ पे इसको बुक मार्क करते हैं, इसको बुक मार्क करते हैं, ठीक है। नाइट मोड को टेस्ट करते हैं, ऑलराइट। माय नोट्स को टेस्ट करते हैं, हेलो टू, ठीक है, ये हो गया, सही वर्क कर रही है। उसके अलावा माई बुक्स मार्क में 3 या रेडी हम 3 पे हैं, 4 पे, 4 पे हम चले गए, 1 पे, 1 पे हम चले गए, स्विफ्ट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो अभी बस इतना रहता है कि यार इसका एक ड्रैग हैंडल लगाना है, ठीक है। मैंने कहा थोड़ा एडवांस में करेंगे यार, इसके ऊपर लिया था मैं आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बिल्कुल टोटली कस्टम लगाना पड़ता है। लेकिन ना मैं आपको एक बेसिक ड्रैग हैंडल लगाना इसका सिखा देता हूँ, और उसके अलावा ना इसको हॉरिजेंटल सही नहीं लगता, इसको फोर्स कर देते हैं। और इधर ना हैंडल होता है स्क्रोल हैंडल, इसको एक मिनट इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन खोलते हैं। सो पीडीएफ व्यू, आई होप आई हैव इंटरनेट ओपन, पीडीएफ व्यू एंड्रॉइड डॉक्स। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं कि इसको ना किस तरीके से ओपन करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो स्क्रॉल बार का इन्होंने यार थोड़ा सा चेंज किया है, तो स्क्रॉल बार को स्क्रॉल हैंडल कर दिया इस पेज पर इन्होंने, पीडीएफ की जो एक्टिविटी का जो तो जो पीडीएफ की लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं, उन्होंने स्क्रॉल बार को डेप्लीकेट कर दिया, जहाँ पे स्क्रॉल हैंडल को यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम अपना कस्टम लेआउट भी यूज़ कर सकें। कस्टम लेआउट हम बाद में यूज़ करना सीखें, लेकिन फिलहाल इस वाली वीडियो के अंदर हम डिफॉल्ट स्क्रॉल हैंडल यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, सेट स्क्रॉल हैंडल, यहाँ पर डिफॉल्ट स्क्रॉल हैंडल पास कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। यहाँ स्क्रॉल हैंडल लग चुके हैं, जरा एप्लीकेशन को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है, तो चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्क्रॉल हैंडल यहाँ पे हमारा आ रहा है, ओके। सो इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे बुक मार्क्स वगैरह एवरीथिंग इज़ वर्किंग, ठीक है। इसको दोबारा कर लेते हैं ज़रा, अब चेक करते हैं नई रो पे आएगा नहीं। सो इट्स वर्किंग यार, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के कर दो, 12 बजे बना रहा हूँ और मैं एलियन लग रहा हूँ वीडियो बनाते वक्त, क्योंकि मेरी हालत ये होगी वीडियो बनाते बनाते। तो जो लास्ट स्टेप है, इंप्लीमेंट करते हैं अपने एड मोब को। एड मोब को इंप्लीमेंट करना बड़ा ही आसान है, तो यहाँ पर चलते हैं। एड मोब डॉक्स आपने लिखना है और इसे मेरे चैनल पे आना है, और इस वाली वीडियो को आप लोगों ने ओपन करना है, ठीक है। इस वीडियो को प्ले नहीं होने देना, इसकी डिस्क्रिप्शन एवरीवन। तो यार मैंने तकरीबन 3-4 प्रोजेक्ट वीडियो डाल दी अपने चैनल के ऊपर पिछले एक साल के अंदर, और हर वीडियो के अंदर मैं यही रिक्वेस्ट आती है कि यार ऐड इंप्लीमेंट करना सिखाओ, ऐड इंप्लीमेंट करना सिखाओ, क्योंकि काफी बिगनर को ऐड इंप्लीमेंट करनी आती नहीं है, उनका कसूर नहीं है। ऐड मोब का जो एसकेके है वो है काफी कॉम्प्लिकेटेड, उनके जो कॉल बैक्स वगैरह, आई मीन मैंने इनकी यूटिलिटी फाइल बनाई है ना, मुझे पता है कितनी इनके अंदर प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक पोल किया था कि पूछा था कि कितनों को ना ऐड मोब एसकेके इंटीग्रेट करना था,
उनमें से एक भी नहीं क्या हमें आता है। There are a lot of people out there जो ऐड इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनको ऐड इम्प्लीमेंट करना आते नहीं है। तो ये थी प्रॉब्लम, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है इजी ऐड मोड। तो मैंने एक यूटिलिटी क्लास बनाई है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस अब दो या तीन लाइन का कोड लिखना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। उसके बाद आपके एप्लीकेशन में ऐड मोड इंटीग्रेट हो जाएगा, नॉट जस्ट ऐड मोड इंटीग्रेट होगा, बहुत सारी बात ये होगी कि आप सब ऐड यूनिट को अपने फायरबेस से कंट्रोल कर पाएंगे, ऐड को डिसेबल कर पाएंगे, प्रोग्रेस के साथ शो कराने, कितने क्लिक्स बाद ऐड शो कराना। फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन में मल्टीपल एक्शन है ना, तो मैं चाहता हूँ जब यूजर 10 से 15 एक्शन परफॉर्म कर ले उसके बाद ना ऐसा हो कि उसके सामने इंटरस्टिशियल ऐड शो हो, इस तरीके कुछ हम सेटिंग्स कर पाएंगे। तो काफी मजे की वीडियो बना ली है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये करना है अपनी फायरबेस के ऊपर आ जाना। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ लिंक करके, ये मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टेटस सेव करा। अगर आपने स्टेटस सेव का प्रोजेक्ट देखा नहीं तो मैं सबसे पहले इसको ओपन करना है, इसको सिंक्रो करना है, उसका बिल्ड एट ग्रेडर पे जाना है, मैनिफेस्ट पे इसका पैकेज नेम यहां से कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहां पे प्रोजेक्ट बनाना है, इसका नाम लिखते हैं, यहां पे इसको एप्लीकेशन टैग में ओपन करना है, और यहां पे टेस्ट ऐप आईडी में लगा देता हूं, आप अपनी एप्लीकेशन टेस्ट आईडी यहां पे लगाना, ठीक है। और ये करने के बाद ऐड मोड यूटिल्स में आओगे, यहां पे काफी एरर्स फॉर हो चुके होंगे, ठीक है। यहां पे चाहो तो पैकेज को भी यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, इसका कोई चीज नहीं होगा। यहां पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो मिलते हैं इसके बाद। ऑलराइट ऑलराइट, तो हो गए। तो ऑलराइट, यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्रिएट हो गए, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद हमने अपनी एप्लीकेशन को ना ऐड, सॉरी फायरबेस के अंदर ऐड करना है। वो किस तरीके से करना है वो बड़ा आसान है, सो यहाँ पे मेरा लोड हो जाए हर बार, हम जो हर वीक ऐड मूव इंप्लीमेंट ये यूटिल पहले ठीक चला था, आज उसको रोल करने में मौत पड़ जाए, रोल करने के बाद यहाँ पे माय बुक, तो यहाँ पे ना एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऐड करके यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे ना ये पैकेज में फाइल, और उसके बाद यहाँ पे इसको ऑप्शनल है, इसको इनिशियलाइज रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद ना अगर लैंपटॉप करने के बाद ये आपको जेएसएन फाइल करेगा, इसको आपने कॉपी डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट और ऐड यूनिट यहाँ पे लोड हो जाए, और मेरे जो बिल्ड का क्रेडिट है कोड इंडिया से है, तो इसको कॉपी करते हैं, कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरीके से करेंगे, इसको इस वाली लाइन पे हमने, ठीक है। ये करने के बाद ना यहाँ पे हमने बैनर ऐड किया, यहाँ पे आके इसको बैनर ऐड लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं करना, आसान है यहाँ पे पेस्ट कर मेन एक्टिविटी क्रिएटर प्रोजेक्ट लेवल में, उसके बाद इसको कॉपी करना है, यहाँ पे नीचे ना एक लीनियर लेआउट के लिए इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे फायरबेस मूव को कॉपी कर देना है, लेआउट मैच पेयर इंप्लीमेंटेशन में इसको पेस्ट कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ इसकी कॉपी बना के यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस को यहाँ पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको सिग्नल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एम पे क्लिक करना है, यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस में चलते हैं, ठीक है। अब आपने करना है ये वाला लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप मेरे गिटहब पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन कर लेना, उसके बाद यहाँ पे कोड भी लिया, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड जिप करने के बाद इसकी हाइट काट देना, तो यहाँ पे 0 dp मेरी डाउनलोड हो चुकी है, अब इसको करते हैं जैसे किसी करूंगा इसको, ठीक है। इसको ओरिएंटेशन क्या रहा है, इसको एक्सट्रैक्ट को बाइंडफोल्ड होल्ड करने के बाद इसके अंदर अब जाना है आपने अपनी मेन, उसके अलावा जो हमारी जेएसएन फाइल थी यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है। ऑलराइट, अभी हम ये करना है, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। अगर आप बोलोगे तो यार मैं विदाउट फायरबेस वाला आपका बैनर ऐड ऑटोमेटिकली बना दूंगा, ये मैंने सारी ट्रिक फाइल, तो उसके बाद इसको लॉक मोड में एनेबल करना है, आपको ना ये मिल जाएगी यहाँ पे, इसके ऊपर डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाए। तो आपने मेरी वीडियो चल रही थी, मेरी आवाज़ आ रही होगी, आई नो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इसके ऊपर मैंने अलहदा एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। आई एम सॉरी, आवाज़ आ रही होगी उसकी, अब नहीं आ रही हुई। तो ये करने के बाद ना हमें इसके डिटेल एक्टिविटी में एक बैनर ऐड लगा लेते हैं, तो वो लगाना बड़ा आसान है, तो इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चलते हैं, एक्चुअली पीडीएफ एक्टिविटी में लगाते हैं, डिटेल एक्टिविटी में यूजर इतना रुकेगा तो नहीं, तो उसमें लगाने का तुक नहीं बनता, ये लगाते हैं, ठीक है। और ना इसको 100 dp करते हैं, और इसको इसके टॉप पे कॉन्स्टेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ना इसको भी इसके टॉप पे कॉन्स्टेंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको कर देंगे 0 dp, एंड इसको कर देंगे रैप कंटेंट, एंड सेम इधर हम लोड करा देंगे बैनर डॉट लोड ऐड, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल ऐड किस तरीके से लोड कराना है वो भी कराना बड़ा आसान है, तो कुछ इस तरीके से चलेंगे अपनी डिटेल एक्टिविटी के अंदर, वेयर इज आवर डिटेल एक्टिविटी यहाँ पर, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे ऑन सक्सेस के अंदर, हम ना यहाँ पे करेंगे एक्टिविटी डॉट लोड लोड एंड शो इंटरस्टिशियल ऐड विद प्रोग्रेस, ठीक है, ये करेंगे। और यहाँ पे ना इसके कंस्ट्रक्टर में हम ना कस्टम कोड यहाँ पे पास करेंगे, और कस्टम कोड में ना हम इसको कट करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ऑलराइट, ये करने के बाद ना आपके ऐड यहाँ पे लग चुके हैं। अब ये काम और आपने करना है, यहाँ पे ऐड इधर आना है बुकीफाई वाले आपका जो भी कंसोल होगा फायरबेस का, और यहाँ पे ना एक बना लेना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेना, उसका नाम मैं देख लूँ यहाँ से, तो उसका नाम होगा लेट मी जस्ट सी ऐड मोड,
ठीक है, ये बनाने के बाद और इसके अंदर ना एक डमी वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। उसके बाद इसको ओपन करना है, इधर आना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या करना है, जो हमें डिफॉल्ट rtdb.json कॉपी किया ना उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है और इंपोर्ट हो जाएगी आपके आपके यहाँ पे ऐड यहाँ पे लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, तो ओके, तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी तो वो मैं ज़रा कर लेता हूँ। यहाँ पे ना ऐड मूव का ऑब्जेक्ट ना इसके अंदर बन रहा है, इसको किस तरीके से सोल्व करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑनलाइन जेसन एडिटर। ठीक है, कोई भी जेसन एडिटर ओपन कर लूँगा। उसके बाद इस फाइल को इधर लेके जाऊँगा, ठीक है, इस वाली को नहीं, सॉरी इस वाली को, और उसके बाद ना इसको हटा दूँगा यहाँ से, इसको हटा दूँगा। उसके बाद ना इसको कर दूँगा, सॉरी यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लूँगा, सेव सेव टू डिस्क _2। ऑलराइट, और यहाँ पर इसको कर दूँगा इम्पोर्ट इस तरीके से। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं, तो अब एप्लीकेशन को जरूर करते हैं रन, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ऑलराइट ऑलराइट, लेट इट लोड। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, सॉरी अपनी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। रात के 12 बज गए और लिटरली मेरी आंखें ना बस नम सी हुई पड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्प्लैश लगा लोगे ना तो आपको ये बैनर दस्ती लोड हो जाएगा। अब ये 10 सेकंड बाद लोड होगा, क्यों? क्योंकि ना ऐड यूनिट हमारे पहले लोड नहीं हुए होते, तो ऐड यूनिट जब ये नल होती है ना तो ये ट्राई करता है उधर से लोड करने की, एंड उसके बाद ये लोड करता है। ये देखो, अब यहाँ पे ये लोड होने की कोशिश कर रहा है और अभी ये यहाँ पे हमारा बैनर लोड हो जाएगा। ठीक है, और मजे की बात क्या है, हम ये पूरा कंट्रोल कर सकते हैं इसके एनिमेशन वगैरह। इसके ऊपर मैंने जो डेडिकेटेड वीडियो बनाई है उसको आप लोग देख लेना मजीद। अच्छा ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लोड ऐड अपना लोड हो रहा है। ठीक है, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपना ऐड लोड हो चुका है। ऐड को जैसे यूज़र कैंसिल करेगा ना तो उसकी अगली एक्टिविटी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एंड सेम यहाँ पे हमारा नीचे यहाँ पे आपने देखा ना, एक मिनट इसको दोबारा लोड करते हैं। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे इसका नीचे ऐड लोड हो गया विद एनिमेशन ब्रो। ऑलराइट, तो यह डैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई नो यार, इसमें ऑडियो बुक भी अभी ऐड करना रहता है, छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं तो वो तो आई मीन चलती ही रहेंगी ना, लाइक इसका कोई एंड तो नहीं है। मैं जितने आप फीचर करेंगे मैं ऐड करता जाऊंगा, लेकिन बट थिंग इज डैट कि यार मुझे ऑडियो बुक में ऐड करना सिखाऊंगा किसी और वीडियो में, और बट द थिंग इज डैट कि यार वी नीड टू मूव ऑन। हमें और चीज़ें अपने फ्यूचर में चैनल के ऊपर करते हैं, मटेरियल डिज़ाइन की सीरीज़ मेरा बहुत दिल कर रहा है, इसको दोबारा कंटिन्यू करूँ, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह काम करते हैं। और मैं अब कोशिश करूँगा कि यार मैं ना कंसिस्टेंट रहूँ, बेशक एक मेरी रूटीन बन जाए, उस रूटीन में मैं वीडियो डालूँ, मैं एक काम डालूँ। ठीक है, सो यह माफ़ कर देना अगर कोई वीडियो बुरी लगी हो, क्योंकि आई नो पर्सनली स्पीकिंग मुझे थोड़ी सी और चीज़ें, मेरा दिल भी कर रहा था ऐड करने का, लेकिन यार ठीक है अभी इतना इसके लिए मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, और मुझे मूव ऑन करना है और प्रोजेक्ट बनाने। ये काफ़ी टाइम पहले मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी ठीक नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन यह आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी PDF के ऊपर लाओ वीडियो लाओ, तो मैं ले आया वीडियो। और कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। अभी मटेरियल डिज़ाइन की सीरीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, और यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी। अब मैं आपको अपना कैमरा ओपन करके मेरी हालत दिखा दूँ, यू वुड बी लाइक मैन कैसे कर लेते हो ये। एनीवे, तो डैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ अगर बुरी लगी तो जिसको बुरी लगी है ना वो यार मुझे ज़रूर कमेंट में बताए कि यार क्यों लगी है बुरी, मुझे वो चीज़ें इंप्रूव करने में हेल्प होगी। एनीवे, तो पिछले पार्ट अगर आपने वॉच नहीं किया वो कर लेना, एंड मुझे व्हाट्सअप ग्रुप, हाँ व्हाट्सअप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर लो, उधर हम गप्पे मारते रहते हैं। एनीवे, टेस्ट स्पीड मच इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मैं हूँ डेव एट्री, आल्सो नोन एज एट्री, साइनिंग आउट, सी यू इन द नेक्स्ट वन विद क्वालिटी कॉन्टेंट। अल्लाह हाफिज़।